हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि 6 महीने का आपका जितना भी ये पूरी बुक है, जितनी भी लेंथी बुक है, सारी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 137 ऑलमोस्ट यहाँ पर स्लाइड्स हैं, और सारी स्लाइड्स को हम लोग एक एक करके एक एक सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और सही से आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा और मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको भी थोड़ा पेशेंस बना करके देखना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। और वीडियो को पूरा देखने के अलावा आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है। जाओ और जाकर के इस वीडियो को देखो और सारी थ्योरीज को समझो जो भी यहां पर लिखी हुई है, और जाकर के अपना बेस्ट दो। यहां पर देखो, मैंने आप लोगों के हिसाब से ही पूछा था कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियो चाहिए, कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की एक लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो ऑलमोस्ट 83 लोगों ने यहां पर परसेंट लोगों ने बोला था कि हां ठीक है, लॉन्ग वीडियो ही चलेगी। तो इसी हिसाब से आपका क्या है, यहां पर मैंने आप लोगों के सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर नेट का इशू आ रहा है, बट यहाँ पर से अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर से प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, जो भी मैनेजमेंट की मैंने सेपरेट वीडियोस को बना करके रखा, तो वो भी सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट करे हुए, क्योंकि हमको सारी चीज़ों को कर भी करना है ना। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों टॉपिक अलग अलग है, यानी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अलग है, मैनेजमेंट एक अलग बुक है, ऑर्गेनाइजेशनल ओबी की बुक अलग है। बट यहाँ पर आपके AKTU के सिलेबस के हिसाब से MBA में दोनों ही चीज़ों को एक में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, मैनेजमेंट क्या है दोस्तों। मैनेजमेंट क्या, आप स्टूडेंट हो और अगर मैनेजमेंट नहीं पता तो फिर कोई भी आपको कुछ बोला ही का नहीं। यहाँ पर देखो MBA फर्स्ट, मतलब MBA करने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट करना किसी चीज़ की, एक तरीके का आप मैनेजमेंट की डिग्री ले, तो मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे सारी थ्योरीज को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहले आप समझते हो इस चीज़ को, देखो मैनेजमेंट करना मतलब कि हर एक फील्ड में, कि कभी भी कहीं पर भी जाओ, आप कहाँ पर भी मैनेजमेंट करते हो, जैसे घर में घर की औरतें मैनेजमेंट करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पढ़ाई का मैनेजमेंट करते हैं, जो घर के जो भी ऑनर्स होते हैं लाइक पापा हो गए, है ना, तो कोई भी घर को जो भी चलाता है तो वो पैसे रुपए से रिलेटेड मैनेजमेंट करता है। तो ये सारी मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से सभी जगहों पर हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। और हम लोगों को क्या करना रहता है दोस्तों, मैनेजमेंट की अगर प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो उससे रिलेटेड, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट है। बिजनेस के बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को प्लान करना है, किस तरीके से बिजनेस को रन करना है, यही होता है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है, और इसकी कोई भी डिफिनेशन इसकी कोई डिफिनेशन अलग से नहीं बताई गई कि ये होती है मैनेजमेंट की डिफिनेशन, परफेक्ट कुछ भी नहीं बताया गया। बट यहाँ पर फिर भी आपके यहाँ पर मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है, ये चीज़ को डिस्कस करना अपनी, तो जो आपको राय देनी है वो तो सारी आप चीज़ बताओगे कि मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो। बट उसके अलावा यहाँ पर से एक आपको एक दो एटलीस्ट जितने भी राइटर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लो। यहाँ पर मैरी पार्कर फॉलेट करके एक नाम है, तो इनके अकॉर्डिंग जो भी है, दैट इज़ कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल, मतलब कि लोगों से काम करवाने की कला को ही आप क्या बोलते हो, मैनेजमेंट बोलते हो। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लाइन लिखी हुई है, दिखा देता हूँ अच्छे से इसको, ताकि आपको अभी भूलो नहीं। यहाँ पर देखो, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल, मतलब कि आप दूसरों लोगों से अपने काम को करवाओगे, यही आपका तो मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप दूसरों से अपने काम को करवा लो, लेकिन इनकी जो इन्होंने ये चीज़ दिया था, तो इनकी डिफिनेशन की क्या है दोस्तों, काफ़ी एक मतलब कि अच्छी बात नहीं है। ये केवल क्या है बोल रहे हैं कि केवल दूसरे लोगों से काम करवा लो, यही आपका मैनेजमेंट हो गया। बट सोचो कि केवल आप दूसरे लोगों से काम करवाओगे तो क्या आपका मैनेजमेंट कंप्लीट होगा, नहीं। तो इसकी आपको वीकनेस भी बतानी पड़ेगी। इनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, कुछ हद तक सही है, बट इसकी कुछ एक वीकनेस भी है। एक तो इसमें आर्ट वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि मतलब कि मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है। और दूसरा है दैट कि ये जो डिफिनेशन है वो सारे फंक्शंस के ऊपर वर्क नहीं करती। अब एक मैनेजर का काम केवल यही नहीं होता है कि वो लोगों से केवल काम करवा ले, उसको बहुत सारे अलग अलग भी काम करना पड़ता है। कभी कदार उसको लीडर भी बनना पड़ता है, कभी कदार उसको मोटिवेट भी करना रहता है लोगों को, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है काफ़ी वाइड टर्म होता है, केवल दूसरे लोगों से काम करवा लो, यही आपकी मैनेजमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो,
दूसरी जो डेफिनेशन है वो आपकी मैरी पार्कर फॉलेट के बाद में जॉर्ज आर टेरी ने दी थी। जॉर्ज आर टेरी, इनका भी नाम आप अच्छे से ध्यान कर लेना, जॉर्ज आर टेरी तीन नाम है बस, मैरी पार्कर फॉलेट, इन दो नामों को आप अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको जाकर के मैनेजमेंट क्या होता है इससे रिलेटेड तो घुमा फिरा करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जॉर्ज आर टेरी ने हमको ये चीज़ आगे बताया था, जैसा इन्होंने बताया था कि हमको क्या है कि केवल आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल, मतलब केवल लोगों से काम करवा लो वही आपकी मैनेजमेंट है। बट यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी ने क्या बताया था कि मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, सबसे पहले आप प्लान करते हो, देन ऑर्गेनाइज करते हो, फिर एक्यूट करते हो, लोगों को कंट्रोल करते हो। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने बताए थे, पैरामीटर्स बताए थे मैनेजमेंट को करने के लिए, यही होता है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान कर लो, मैरी पार्कर फॉलेट ने बताया था कि केवल लोगों से काम करवाओ, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल, बट जॉर्ज आर टेरी ने बताया था कि उसके अलग अलग फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, तो क्लियर हो गया है ना। अभी देखो आगे क्या है, हमको आगे डिस्कस करना है कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो आपको अपने आंसर में ये चीज़ को जस्टिफाई करना है कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, एक आर्ट के होते हैं, क्योंकि आर्ट क्या होती है, एक तरीके की कला होती है, और ये क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब आपको प्रैक्टिकल, जैसे एक सिंगर है, कोई एक डांसर है, तो वो क्या है, आर्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी, ठीक है। और यहाँ पर डिज़ायर्ड वैल्यू, मतलब उसको क्या, वो अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू को पाने के लिए क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल अपनी नॉलेज को दिखा रहा है, यानी कि एक सिंगर है तो वो अगर गा रहा है तो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को दिखा रहा, ठीक है। तो वही फीचर्स उसके क्या होते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी कि लोगों से काम करवाता है और काम, मतलब लोगों को किसी तरीके से, आप किसी भी तरीके से लोग को बोलोगे, इनपुट को लगाओगे भाई तुम काम कर लो, कोई का दूसरा मेथड होगा कि आप काम कर लो, है ना। मतलब आप अगर किसी से किसी को काम करवाना होगा तो सबके अलग अलग मेथड होंगे, है ना। यहाँ पर इसी वजह से लिखा भी हुआ है कि एवरी मैनेजर हैज़ हिज यूनिक मेथड ऑफ वर्किंग, मतलब सभी लोग कहूँगा अलग अलग, हर एक मैनेजर का अलग वर्किंग होता है, कोई डांट के काम करवाता है, कोई प्यार से काम करवाता है, कोई मोटिवेट करके काम करवाता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की आर्ट है, आपको ये चीज़ प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है कि आर्ट ही है जो मैनेजमेंट है, वो एक प्योरली आर्ट है। यहाँ पर लिखना है देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ प्योरली आर्ट, अपने आंसर को जस्टिफाई करना और उसको करके अपने इस चीज़ को ये भी बताना कि मैनेजमेंट साइंस किस तरीके से। तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटाइज नॉलेज, मतलब कि जैसे अब न्यूटन था तो मतलब उसके ऊपर क्या हुआ था, मतलब पेड़ के उसके सर के ऊपर क्या हुआ था, सेब गिरा हुआ था, तो फिर उस तरीके से यानी कि सिस्टमेटाइज नॉलेज, उसने उसके ऊपर सर्च करा, उसको देखा, यानी सिस्टमेटाइज नॉलेज, यानी उसकी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होना, प्रैक्टिकल के साथ में उसका ऑब्जर्वेशन भी होना और एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, चीज़ों को बार बार करके देखना। जब लाइट बनाई होगी अल्फा एडिसन ने तो बार बार उसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो यही चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है बट प्योर साइंस नहीं है, जितना ज़्यादा आर्ट है, जितना ज़्यादा आर्ट के गुण मिलते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उतने ज़्यादा साइंस के गुण नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे इस चीज़ को, ये चीज़ बतानी है कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से साइंस है, ठीक है। उसके बाद में जब प्रोफेशन की बात आती है तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी तरीके की एक डिग्री ले लेना और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैनेजमेंट केवल किसी के अंदर ये नहीं हो जाता कि एक, मतलब केवल आप मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के आप एक मैनेजर अच्छे नहीं बन सकते, है ना। जब तक कि आप उसको आर्ट के फॉर्म में नहीं समझो, साइंस के फॉर्म में नहीं समझो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो उसमें आपको ये चीज़ बताने कि प्रोफेशंस तो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है इसको हम लोग प्रोफेशन के टर्म में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो आर्ट की बात करेंगे तो आर्ट एक, मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्योरली आर्ट होता है। साइंस की बात करेंगे तो मैनेजमेंट एक तरीके से प्योरली साइंस नहीं होता, साइंस तो होता है बट प्योर साइंस नहीं होती है, ठीक है। और जब प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन की बात में जब आपको डिस्कस करना है तो ये सारी चीज़ों का आपको आंसर में जस्टिफाई करना होगा कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से प्रोफेशन नहीं, क्योंकि प्रोफेशन में क्या होता है किसी तरीके की डिग्री ले लेना और डिग्री केवल आदमी को मैनेजर नहीं बना सकती, ठीक है। फिर अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसकी दोस्तों इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है। तो केस स्टडी में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, बताना है। 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बताए गए थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने लॉन्ग वीडियो को भी डिस्कस किया था, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे। और 14 प्रिंसिपल को आप
आपको वन बाई वन करके डिस्कस करने आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो आता है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। मैनेजर का एक काम क्या होता है, ये मैनेजर का काम में एक नंबर पे आता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क जो एक मैनेजर को क्या करना रहता है, सारे लोगों को डिवीज़न करना रहता है, काम का डिवाइड करना रहता है कि तुम ये काम करोगे ये काम करोगे। इसी चीज़ को बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। हर एक चीज़ों की हेडिंग ध्यान रख लेना और हेडिंग ध्यान करके सारी चीज़ों को इसी तरीके से लिखना भी। ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वही चीज़ लिखो, बट अपने हिसाब से इसको समझ तो सकते हो ना, हेडिंग तो याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि काम को बांटना, मैनेजर का काम क्या होता है काम को बांट देना। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि ऑथराइज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे तभी आपको किसी चीज़ की अथॉरिटी दी जाएगी। मान लो आप कंपनी में गए, कंपनी में जाकर के आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मतलब जिम्मेदारियाँ काफ़ी होंगी, और अगर आप अच्छे से जिम्मेदारियों को अपना पूरा करोगे तब आपको प्रमोशन होगा, और प्रमोशन करके आपको क्या दिया जाएगा, अथॉरिटी, अधिकार दिया जाएगा किसी भी तरीके का, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, अधिकार, अथॉरिटी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ को लिखना है, अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हमारा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको क्या बताना है कि डिसिप्लिन जो होता है एक मैनेजर का मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय को 10 तरीके के अलग अलग मैनेजर नहीं ट्रीट करेंगे, एक एम्प्लॉय केवल उसी व्यक्ति की बात को मानेगा जो कि उसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि जिसके नीचे वो काम कर रहा है केवल उस एक व्यक्ति की बात मानेगा। यानी कि एक एम्प्लॉय है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन मैनेजर, मतलब कि एक मैनेजर से ही उसको रिसीव करना पड़ेगा। अब मान लो कि जस्ट सपोज कि अगर आप मान लो कि कहीं पर काम करने के लिए गए और 10 तरीके के आपके ऊपर लोग बैठे, कोई बोल रहा है कि ये कर लो, कोई बोल रहा वो कर लो, तो आप उसमें क्या होगे, इरीटेट फील करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि आपके ऊपर एक बॉस को बनाया जाएगा और आपको केवल उस बॉस की ही बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको 10 लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक लोगों की बात को मानना है जिस जो बता रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आगे क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आप क्या समझते हो, डायरेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक जगह पर काम करना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि सारे जो भी मैनेजर्स होंगे वो क्या होंगे कि सबका डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना, कोई HR डिपार्टमेंट में काम करेगा, कोई मेंटेनेंस में करेगा, कोई प्रोडक्शन में करेगा, कोई क्वालिटी में काम करेगा, बट सबका जो एंड गोल होगा, जो सेम गोल होगा, दैट इज़ कि सेल्स होनी चाहिए, और सेल्स होना है मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट करवाना है, यही सबका एंड गोल है, चाहे वो HR हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, है ना, कहीं R&D डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, उसका सबका डायरेक्शन मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सभी लोगों का काम तो अलग होगा बट यहाँ पर सभी लोगों का जो गोल होगा वो सेम होगा। यहाँ पर लिखा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रोकन डाउन द डिफरेंट सब मैनेजर्स, सभी लोगों की अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी बट यहाँ पर जो भी सभी लोग होंगे उनका क्या होगा, एक कॉमन गोल होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो सिक्स नंबर पे क्या है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इस चीज का मतलब है कि सभी लोगों के इंटरेस्ट को आपको देखना है। एक मैनेजर को क्या करना पड़ेगा कि उसको कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब सभी लोगों के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, केवल एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना पड़ेगा। कि कोई भी एक व्यक्ति अगर आपसे आकर के बोल रहा है कि ऐसा कर लो भाई, तो आप उसकी एक उसकी आप बात मान लो, सभी लोगों की बात को देखना पड़ेगा। एक मैनेजर का काम यह होता है कि सब लोगों की बात को देखे, मतलब सभी लोगों की राय ले, उसके बाद में कोई भी डिसीजन को ले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो सेवन नंबर पे आता है सैलरी और वेजेस से रिलेटेड नियम, प्रिंसिपल। सैलरी और वेजेस से रिलेटेड मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को एक अच्छा पे करना चाहिए। अगर मान लो आप अच्छा से पे नहीं करोगे, उसको कम पैसे दोगे और काम ज़्यादा लोगे, तो उससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और उसके वो काम तो करेगा क्योंकि मान लो उसकी मजबूरी है, बट उसके काम में क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। फिर आगे देखो एट नंबर पे आता है आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक सेंटर में होना। जैसे मान लो कि किसी चीज़ का, जैसे मेरी एक ये सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर है, डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था। जैसे मान लो आपका ये क्या है, सबसे ऊपर हेड हो गया, है ना, हेड के ऊपर ये आपका क्या होगा, मान लो ये आपका जूनियर स्टाफ हो गया। जैसे आपका मान लो कि यहाँ पर से आपका जो भी सबसे ऊपर वाले जो भी मैनेजर्स होते हैं, CEO और जो भी प्रेसिडेंट हो गए, वो सारी चीज़ें हो गए। फिर उसके नीचे उसके लोअर लेवल के जो भी मैनेजर आ गए वो हो गए, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर्स हो गए, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय हो गए। तो ये एक तरीके क्या है, सेंट्रलाइजेशन है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ रहा है कि सेंट्रलाइज्ड है सारी चीज़ें, ठीक है। बट अगर यहीं पर देखो, अगर अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो एक हेड है ना, हेड ने क्या किया, एक HR हेड अलग बना दिया, है ना, और
प्रोडक्शन से रिलेटेड हेड अलग बना दिया, मेंटेनेंस से रिलेटेड हेड अलग बना दिया, अब उसके नीचे भी क्या होंगे, उसके सब हेड्स होंगे, है ना, और उसके सब हेड्स होंगे, यानी कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, वहाँ पर बट गया। बट सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि यहाँ पर सभी लोगों का पावर एक समान है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरीके का आपका सेंट्रलाइजेशन है और किस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन है, इस चीज़ को फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लेना। उसके बाद में आपका आता है स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि अगर उसको अपनी बात को रखना है, मान लो उसको अगर अपनी छुट्टी पास करवानी तो उसके किसके पास में जाना चाहिए, है ना, वो एक सबसे ऊपर वाले मैनेजर के पास चला जाएगा, वो CEO के पास नहीं जाएगा कि अपनी छुट्टी पास करवाने के लिए, या फिर वो अपने सुपरवाइज़र होगा उसको वो बताएगा, है ना। तो वो किसके पास में जाएगा, एक सुपरवाइज़र के पास में जाएगा छुट्टी पास करवाने के लिए, या फिर डायरेक्ट CEO के पास में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन है, किसके ऊपर मेरी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, मैं किसके नीचे पर हूँ, मेरे ऊपर कौन पर है। तो ये सारी चीज़ें स्केलर चैन के अंदर आती है। 10th नंबर में देखो, एक ऑर्डर होना चाहिए, सिक्वेंस में होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब कि केवल जो भी आपके मैन है, मनी है, मटेरियल है, ये सारी चीज़ें जो भी हो, सारी चीज़ें राइट प्लेस पर होनी चाहिए, राइट टाइम पर होनी चाहिए, मतलब उपलब्ध होनी चाहिए। तो मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, सारी चीज़ों का अच्छे से पावर दोगे सभी लोगों को, मतलब बताओगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, मैन मनी मटेरियल, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपका अच्छे तरीके से रिसोर्सेज जो भी हैं उनका आप यूटिलाइजेशन अच्छे से करोगे ऑर्डर दे करके। उसके बाद में देखो इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको एक मतलब कि न्याय बनना। एक मैनेजर का काम ये भी होता है कि वो अपने कंपनी के अंदर जस्टिफाई रखे, मतलब सभी जो भी कर्मचारी हैं उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में काइंडनेस रखे और काइंडनेस के साथ में जस्टिस रखे, ठीक है, टुवर्ड्स टू एवरी एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में। फिर आगे देखा जाए तो स्टेबिलिटी एंड मतलब जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पर अगर आप सिंपल शब्दों में बात करो तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी लिख सकते हो। जॉब सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसकी जॉब सिक्योरिटी है, तभी वो आपकी कंपनी में अच्छे से काम करेगा और रुक करके काम करेगा, क्योंकि अगर आप उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दोगे तो वो क्या होगा, कंपनी छोड़ करके भाग जाएगा। फिर 13 नंबर पर आपका क्या है, इंटेटिव, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपको मोटिवेट करना आना चाहिए, जो भी एक एम्प्लॉय है उसको आपको अच्छे से मोटिवेट करना आना चाहिए, उसको इनकरेज करना आना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वो अपने काम को अच्छी तरीके से मोटिवेटेड होकर के ही काम को कर पाएगा। और फिर नंबर सबसे लास्ट में क्या है कि टीम की स्प्रिट, टीम जो होनी चाहिए, जो भी एक कंपनी के अंदर जो भी टीम्स होती हैं अलग अलग होती हैं, तो उसकी सब जो भी कंपनी में टीम्स होती है वो सारी हैप्पी होनी चाहिए, किसी भी तरीके के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई किसी को डांट रहा है और कोई किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक टीम के अंदर, है ना। तो ये 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्रॉल के, और आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपको 14 प्रिंसिपल यहाँ पर से क्लियर हो चुके हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फ्रॉल के, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख करके आना, 14 प्रिंसिपल की आप हैडिंग याद कर लो और हैडिंग के हिसाब से अपने हिसाब से आपने सारी चीज़ों को समझ लिया और आगे आप लिख देना। अब देखो मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट टू प्रेजेंट मतलब कि किस तरीके का मैनेजमेंट पहले हुआ करता था और अब किस तरीके का मैनेजमेंट है, क्या क्या चेंजेस आए, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब देखा जाए तो मैनेजमेंट ऐसा साइंस, मतलब सबसे पहले क्या होता था, मतलब आज से पहले भी मैनेजमेंट होता था, केवल ये आज की नई टेक्निक तो है नहीं। जैसे सोचो कि किसी ने आगरा का ताजमहल बनवाया होगा तो किसी ने ऑर्डर दिया होगा कि ये ताजमहल बनना है, फिर उसके नीचे किसी मिस्त्री ने बनवाया होगा, लोगों को इकट्ठा किया होगा, उनसे बनवाया होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बहुत पहले से चलती चली आ रही, मतलब पास्ट में किस तरीके का मैनेजमेंट था, पास्ट में इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, लोगों से केवल काम करवाया जाता था और लोगों की ना कोई ट्रेनिंग के ऊपर बात करी जाती थी, ना ही कोई डेवलपमेंट के ऊपर बात करी जाती थी, उसको केवल एक तरीके से ऐसे साइंस के तरीके ट्रीट किया जाता था। बट जैसे जैसे टाइम बदलता गया, लोगों को क्वालिटी के ऊपर भी बात आने लगी। अब मान लो जैसे आप फ़ोन लेकर के आते हो, वो भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ रहा, अब मान लो अगर उसका एम्प्लॉय खुश नहीं होगा तो उसमें क्या कर सकता है, कुछ भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्वालिटी से रिलेटेड इशू होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि उसके ह्यूमन फैक्टर्स का जब भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा, इस चीज़ को मैनेजर समझने लगे कि ह्यूमन मतलब कि वो क्या चाहता है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, अगर वो खुश होगा तो अच्छे काम से अपनी क्वालिटी को भी देगा। फिर ये चीज़ आने लगे 1950 से 1960 के बीच में। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आने लगी। प्लानिंग है मतलब कि कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए जो कि सभी
चीज़ों को फॉलो करें, है ना। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आ गया, 1970 के अंदर आया था। उसके बाद में 1980 में आपका आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसके अंदर आपका जैसे कि TQM और सिक्स सिग्मा जैसी आपकी टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो होने लगी थी। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से सेपरेट बना करके रखा हुआ है, ठीक है। बट अभी आपको यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स है वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। फिर आता है आपका प्रोसेस ऑप्टिमिज्म। प्रोसेस ऑप्टिमिज्म के अंदर आपका आता है बेंच मार्किंग, मतलब कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी जो भी कंपनी होगी उसको रैंक दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। यही आपका होता है प्रोसेस ऑप्टिमिज्म। फिर उसके बाद में 2000 में आपका बिग डेटा स्टार्ट होता है। बिग डेटा का मतलब कि आपकी ह्यूमन फैक्टर्स को भी समझा जाता है। इसके अलावा आपकी जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को किस तरीके से अलग दिखाया जाए दूसरे लोगों के साथ में, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, आजकल के टाइम में, ठीक है। तो यही हो गया हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब किस तरीके का मैनेजमेंट पास्ट में होता था और किस तरीके का प्रेजेंट में होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डैट इज़ की लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है, कौन कौन से लेवल्स इसमें होते हैं। तो आपको सबको पता है कि तीन तरीके के लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। एक आपका आता है सबसे पहले ऊपर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन आपका आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सबसे नीचे आपका क्या आता है, सुपरवाइजर्स, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, जो भी आपके जैसे CEO हो गए, CFO हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे लोग हो गए, ठीक है। और फिर वहीं पर यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए तो आपके जैसे अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, या फिर देखा जाए तो आपके जो भी मतलब जो भी सेल्स मैनेजर, मतलब कोई भी तरीके का डिपार्टमेंट के मैनेजर जो भी होते हैं वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के साथ में डील करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के साथ में डील करते हैं, उनके साथ में काम करवाते हैं, प्रॉपर उठना बैठना उनका रहता है, तो वो क्या होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और इन सभी का यहाँ पर से अलग अलग तरीके के जो भी है इनकी एक्टिविटीज़ को बताया गया है, ठीक है, कि टॉप लेवल में किस तरीके की होती है एक्टिविटी। टॉप लेवल में आपका मतलब कि जितने भी बड़े लोग हो गए वो आते हैं, उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब यहाँ पर देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है कि गाइड करना, लोगों को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना वर्कर्स को, जो भी है उनको इंस्ट्रक्शन देना, है ना, और साथ में गुड रिलेशन को मेंटेन करके रखना, इनके ये कुछ एक काम होते हैं। फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं लाइक सुपरवाइजर्स, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देना पड़ता है उनको। इसके अलावा मैन मशीन जो भी कोई भी इक्विपमेंट है कहीं पर खो रहा है तो इसके लिए उनको क्या करना रहता है कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना रहता है, और उनकी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी बनानी रहती है कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, एक वर्कर है वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, इनकी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि वो क्या करते हैं, प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या बनाते हैं, प्लान्स को बनाते हैं, बट वो एग्जीक्यूट कौन करता है, वो करता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो दे आर पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयड, मतलब कि वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो उनका काम ही होता है कि ट्रेनिंग करना, स्टाफिंग करना, ठीक है, इसके अलावा रिक्रूटमेंट करना, जहाँ पर से आपको ज़रूरत लग रही है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें भी फॉलो होती हैं, ठीक है। उनका ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट करवाना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। रिपोर्ट्स को तैयार करना और रिपोर्ट्स को जो भी डेटा को कलेक्ट करके टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाना, ये भी इनका काम होता है। फिर आगे बात किया जाए तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर इंस्पायरिंग, किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते हैं, मतलब लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। वहीं पर देखो टॉप लेवल मैनेजर्स जो भी होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो किस तरीके से प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ में, डिपार्टमेंट्स के साथ में, और इसके साथ में उनको किस तरीके से गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेंटेन करते हैं आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके के वर्ड के साथ में। ये केवल उनका काम ये नहीं होता कि केवल कंपनी के अंदर के लोगों से मतलब बना करके रखना, कंपनी के बाहर के लोगों के ऊपर से भी उनको सबको मतलब बना करके रखना होता है, ठीक है, ताकि वो आउटसाइड द वर्ल्ड भी अच्छे से रिलेशनशिप क्रिएट कर सके, है ना, अपने माल को अच्छे से तभी बेच पाएंगे। फिर देखो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि उनको जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, भले ही उनके पास में कम काम होता है लेकिन उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर कोई भी तरीके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो यही कुछ एक टॉप लेवल मैनेजर्स की क्या है गाइड जो भी है लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स की अलग एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर
लोअर लेवल जो भी मैनेजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ अलग लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया है। अभी देखो मैनेजेरियल स्किल्स की बात करें तो मैनेजेरियल स्किल्स जब भी आएगी तो आपको तीन तरीके की स्किल्स को बताना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मैनेजेरियल स्किल्स को बताइए, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को बताना है, कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन रिलेशन स्किल, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है आपकी टेक्निकल स्किल। आप इस तरीके से डायग्राम के हिसाब से आप बता सकते हो। जो भी कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, टॉप लेवल के मैनेजर्स के लिए। जो भी कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है के लिए इंपॉर्टेंट होती है टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, यानी कि वो उनको सोचना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, प्लान करना रहता है, इस वजह से वो क्या करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं एक तरीके से अपना डिसीजन को लेते हैं, तो इनको लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल रिक्वायर्ड होती है। वहीं पर ह्यूमन की बात किया जाए तो ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी देखो अब मान लो कि टेक्निकल जो भी सुपरवाइजर की और मान लो किसी एम्प्लॉय की एक दूसरे की आपस में नहीं बनी, उनकी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो अब कहाँ पर जाएगा, क्या इनके पास में डायरेक्ट ऊपर सबसे ऊपर पहुँच जाएगा एम्प्लॉय? नहीं, पहले ह्यूमन यहाँ पर जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्यों बैठा हुआ है, ताकि एम्प्लॉय इनके पास में आए, ये क्या करेगा कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा, ये इनको भी डांटेगा और एम्प्लॉय को भी समझाएगा कि इस तरीके की बात नहीं है। तो ह्यूमन रिलेशंस जो भी होता है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स के लिए जो भी होते हैं वो कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स जो भी नीचे काम करते हैं और कर्मचारियों से यानी एम्प्लॉयज से काम करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, सुपरवाइजर करते हैं, ठीक है। जो तीन तरीके की स्किल है, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल, तीनों के अलग अलग मैंने बता दिया कि टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, ह्यूमन तीनों ही के लिए होती है, बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर किससे में, बट यहाँ पर अगर कोई किसी भी तरीके कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स को क्या करना रहता है, डील करना रहता है। वहीं टेक्निकल जो भी स्किल होती है वो सुपरवाइजर्स की ज़्यादा अधिकतर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी होगी मैनेजेरियल स्किल्स के बारे में, अब ये भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखो मैनेजेरियल रोल के बारे में, मैनेजेरियल रोल क्या होते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपके तीन रोल होते हैं, आपके देखा जाए तो मेजर तीन रोल होते हैं, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल, ठीक है। इन तीन रोल के अंदर आपके और भी अलग अलग आते हैं, ठीक है, तो उसके सब पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लो समझ लो। देखो इंटरपर्सनल रोल के अंदर क्या होता है, आपको सारी चीज़ें ऐसी दिखानी पड़ती है, मतलब आपको इंटरपर्सनल, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो अगर आपको नहीं भी याद है, सारी चीज़ें नहीं याद है, अगर मैंने डिटेल से बताया उस वीडियो को नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है इन तीन रोल को अच्छे से पढ़ लेना है ना। मैनेजेरियल रोल के अंदर आपको तीन रोल अच्छे से पढ़ लो कि इंटरपर्सनल रोल क्या होता है, इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है और डिसीजनल रोल क्या होता है। इंफॉर्मेशनल रोल ये होता है, मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको जिससे समझ में आ जाए, और ध्यान रहे तो लिख देना केवल हैडिंग याद करके, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल वो होता है जिसमें इंटरपर्सनल यानी कि जो भी एक मैनेजर होता है उसको डील करना आना चाहिए, लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, बाहर के साथ में जो भी बाहर आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है उसके साथ में रिलेशनशिप क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है, और लोगों की कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको दूर करना आना चाहिए। भाई इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर एक मैनेजर के अंदर ऐसा रोल प्ले करना होता है मैनेजर को कि उसको इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर डेटा को तैयार करना, डेटा को एनालाइज करना, उसके बाद में डेटा को जब ज़रूरत पड़े तो रिप्रेजेंट भी करना, इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर ये सारी बातें आती हैं। वहीं डिसीजनल रोल के अंदर क्या होता है, एक मैनेजर को डिसीजंस भी कई तरीके के लेने पड़ते हैं, जैसे कि उसको कहाँ पर कौन सा रिसोर्स लगाना चाहिए, उसका मैन पावर का हैंडलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, मैन पावर को किस तरीके से लगाना चाहिए, कहाँ पर कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा लगेगी कितनी ज़्यादा नहीं लगेगी, है ना। तो ये सारी जो भी डिसीजनल एक डिसीजन का रोल भी उसको प्ले करना रहता है एक मैनेजर को, ठीक है। तो यही तीन तरीके के रोल हैं, हेडिंग्स को अच्छे से याद करके पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि मैनेजेरियल रोल होते क्या हैं, मैनेजर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग रोल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, उसके बाद में तीन आपको यहाँ पर बता देना है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, ठीक है। इसके जो भी सब पार्ट्स हैं वो तो अलग हैं, है ना, अगर चाहना तो उसको देख लेना एक बार चाह करके लॉन्ग वीडियो, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। अगर तीन भी आप लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर आगे देखो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मतलब फंक्शंस या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजर्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अलग अलग इसके फंक्शंस होते हैं, बट हमारे हमको अपने सिलेबस के हिसाब से कौन से फंक्शंस को ध्यान रखने हैं, डेट इज़ कि हमको केवल पांच फंक्शंस को ध्यान रखना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात आएगी तो आपको केवल 5 फंक्शंस लिखना है, 5 फंक्शंस के बारे में बताना है किस तरीके के होते हैं। आपको वो सबसे पहले ये चीज़ बतानी कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग आता है, देन आपके बाद में आता है स्टाफिंग करना, और फिर डायरेक्टिंग, एंड देन फिर आपका आता है कंट्रोलिंग करना, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, इन
चीज़ों के ऊपर ही अलग अलग तरीके से चैप्टर बनाए गए हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो, क्या क्या कौन सा रोल होता है। प्लानिंग आपको एक बार फिर से ध्यान रख लेना है, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपको बताना है। यहाँ पर प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, PQSDC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांच चीज़ें आप अच्छे से तरीके से ध्यान रख लो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट में भी पूछा जा जाएगा नहीं तो लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के ऊपर पूरा अलग से सेपरेट वीडियो उसको ही देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीज़ों को यहाँ पर से स्किप करते हैं, अभी आगे ही इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग को देखो, फिर ऑर्गेनाइजिंग को देखेंगे, देन स्टाफिंग को देखेंगे, देन डायरेक्टिंग क्या होती है, फिर कंट्रोलिंग क्या होती है, सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखो, अभी देखो 30 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने को बाकी है, अभी तो फर्स्ट यूनिट भी नहीं कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की जो डिफिनेशन है आपको ये चीज़ बतानी होगी कि जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग एक मैनेजर का जो भी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी आदमी। उसको बहुत सारे चीज़ें करने, जैसे अगर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाना है, अगर उसको स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करना है, तो इन सारी चीज़ों से पहले एक चीज़ आती है, दैट इज़ की प्लानिंग, प्लानिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस होता है। आप थिंक यानी सोचते हो किसी चीज़ को करने से पहले, है ना, थिंक बिफोर एक्टिंग। उसके बाद में ये क्या होता है, एक तरीके का, इट इज़ बाय प्लानिंग दैट मैनेजर्स डिसाइड कि व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमको कब क्या करना है, व्हेन इट टू बी डन एंड हाउ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट, कौन इसको करेगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। एक मैनेजर को बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करने रहते हैं, जैसे कि मान लो कि एक मैनेजर को ये चीज़ का प्लान करना होता है कि जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं पार्ट, जो भी कंपनी के अंदर जो भी पार्ट्स जो भी हैं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वो कंपनी के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएँ या फिर बाहर से मंगाए जाएँ, ये सारी चीज़ों का प्लानिंग एक मैनेजर को करना रहता है। उसको ये भी देखना रहता है कि अगर मान लो दीपावली आ रही, दिवाली आ रही, तो गिफ्ट जो भी है वो दिवाली का गिफ्ट जो है मैनेजर को क्या चीज़ दिया जाए, ठीक है, जिससे बजट जो कि बजट में भी हो, कंपनी का भी ज़्यादा खर्चा ना हो और एम्प्लॉय भी खुश हो जाए। तो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो किसकी पार्ट होती है, मैनेजर की ही पार्ट होती है, और यहाँ पर सारी चीज़ें प्लानिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में जो प्लानिंग होते हैं सभी मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइमिंग, पीरियड ऑफ प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो मिडिल लेवल के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो किसके लिए कब तक की प्लानिंग करते हैं, एक मंथ के लिए या फिर एक वीक के लिए प्लानिंग करते हैं। वहीं पर जो अगर सुपरवाइजर्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, डे टू डे, मतलब कि वो दिन दिन की, मतलब एक एक दिन की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखना, जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स लॉन्ग, मतलब कि 5-6-10 साल के लिए प्लानिंग करते हैं, वहीं पर मिडिल लेवल जो भी मैनेजर्स होते हैं वो एक महीने, एक हफ्ते, इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेचर ऑफ प्लानिंग, नेचर क्या होता है प्लानिंग का, तो प्लानिंग क्या होता है, एक तरीके का मेंटल वर्क होता है। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके के आपके सिचुएशंस से डील करना होता है, आपको सोचना रहता है। ठीक है, फोरकास्टिंग भी रिलेटेड होती है। ठीक है, एक मैनेजर को बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोचनी रहती हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर्स है तो अगर उसको काफ़ी लंबे समय के लिए प्लान करना रहता है, मिडिल लेवल है तो उसको हफ्ते या फिर महीने के लिए प्लानिंग करना होता है, लोअर लेवल मैनेजर है तो उसको दिन प्रतिदिन के लिए प्लानिंग करना होता है। फिर ये सारे इसके कुछ एक नेचर है। नेचर के बाद में देखो यहाँ पर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो इससे क्या कर सकते हो, आपकी रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसको प्लान करके जाओगे, उससे क्या होगा, आपका जो भी रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी होगी, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। देन आपका क्या होगा, इससे आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। अगर आप प्लान करके कोई भी काम कर रहे हो और प्लान नहीं करके काम कर रहे हो, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, देन आपका देखा जाए फोकस अटेंशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि किस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसकी जो भी गोल्स हैं, अगर आपको उसको प्लान करके इसको अचीव करने की कोशिश करते हो तो आपको वो गोल्स जो भी होंगे वो जल्दी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी को बढ़ाती है प्लानिंग, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती है, हमारे कंट्रोलिंग में हेल्प करती है, है ना, किस तरीके से सारी चीज़ें, मान लो कि कोई भी पार्ट बन रहा है कंपनी के अंदर, तो अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं आ रही, तो क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तो सारी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग का ही पार्ट होते हैं। इसके यही ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, यही इंपॉर्टेंस भी होते हैं। नीड क्या है
प्लानिंग की नीड का मतलब समझ जाओ ना, कि जो भी अभी तक हम लोग पढ़ के आए यही प्लानिंग के ही पार्ट होता है। अब देख लो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे टाइप्स ऑफ प्लान और दूसरा होता है हमारे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, दोनों में अलग अलग होता है और दोनों को अच्छे से समझ लो कि क्या होता क्या है। देखो टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज़, आपको ऑब्जेक्टिव को सेट करना आना चाहिए, देन आपको स्ट्रेटजीज़ होती हैं, देन आपको सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, देन आपकी डबल मतलब सिंगल स्टैंडिंग प्लानिंग होती है। सिंगल यूज़ प्लान के अंदर जैसे आपके कौन से प्लानिंग आके यहाँ पर आपका हो गया प्रोग्रामर्स और बजट, इस तरीके की स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ध्यान कर लो। अगर टाइप ऑफ प्लान हो गया तो यही आपको स्ट्रक्चर बना करके रखना है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड्स रूल, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो सेपरेट वीडियो अलग से ही करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो व्हाट्सअप करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। और देखो एक और भी बात, एक सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात, यहाँ पर देखो कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सअप का नंबर दे करके रखा हुआ है बट वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, केवल व्हाट्सअप मतलब व्हाट्सअप ही करना है। ठीक है, कभी कहीं कोई होता है तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसी वजह से मतलब मैंने जो नंबर होते हैं केवल इस वजह से दिए जाते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं कि किस तरीके से कब फ़ोन करना है। अब आप केवल फ़ोन करके कुछ लोग होते हैं तो इस तरीके से बोल रहे कि वीडियो कब आएगी, है ना, तो मतलब इरिटेटिंग होता है ये काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखिए और अगर आपको कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है और जब कोई चीज़ नहीं मिलती तब आप व्हाट्सअप कर सकते हो बट फ़ोन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग, फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग के अंदर आपके दोस्तों आपके चार तरीके की प्लानिंग आती है, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो सारी चीज़ों का मिल जाएगा बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग की जब बात करी जाए तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे लॉन्ग रेंज को कर करती है, जैसे टॉप लेवल जो भी मैनेजर्स होते हैं वो इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कर करते हैं। टेक्टिकल प्लानिंग जो भी होती है शॉर्ट रेंज को कर करती है, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स कर करते हैं। वहीं ऑपरेशनल प्लानिंग जो भी होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। वहीं कॉन्टीजेंसी जो भी प्लानिंग होती है वो क्या होते हैं कुछ एक बैकअप प्लान रखे जाते हैं, मान लो कि कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन में प्लान ए हमारा फेल हो गया तो हमको क्या करना रहता है, उससे रिलेटेड हमको दूसरा प्लान करना रहता है, प्लान बी को हमको रखना रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या होते हैं प्लानिंग के, तो अलग अलग इसके प्रिंसिपल होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्लान करने से आपका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना तो उससे रिलेटेड कोई उसके बाद में कॉन्टीन्यूटी का आपका सिद्धांत होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत होता है, प्लानिंग ऑफ एक्यूरेसी कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो आपकी एक्यूरेट वे में हो, फिर आपकी सिंप्लिसिटी प्लानिंग इस तरीके से हो कि सभी को इसको फॉलो कर पाए, सिंप्लीफाई कर पाए, मतलब सभी लोग उसको फॉलो करें, सभी लोग आपके रूल को मान सकें, फिर इफिशियंसी सारी आपकी जितनी भी प्लानिंग हो वो आपके मैक्सिमम रिजल्ट को प्रोवाइड करें। देन देखा जाए फोरकास्टिंग प्लानिंग, और फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग का मतलब कि पहले से भविष्यवाणी करना किसी चीज़ की, फ्यूचर की क्या करें फोरकास्टिंग करें। तो ये कुछ एक यहाँ पर 7-8 टाइप हैं, इनोवेशन के लिए भी प्लानिंग का यूज़ करते हैं, तो ये इसके कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखो स्टेप्स इन प्लानिंग, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, देन आपको क्या करना रहता है कि कुछ एक सारी चीज़ों का इमेजिनेशन यहाँ पर डेवलप प्रीमिसेस मतलब एक आपको इमेज करना रहता है कि क्या हो सकता है आगे, है ना। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद इमेज सेट करें आपने, उसके बाद में अल्टरनेटिव कोर्स और एक्शन को यूज़ किया कि किस तरीके का कोर्स होगा, किस तरीके का एक्शन होगा, कि कोई अल्टरनेटिव को चूज़ किया। मान लो कि हमको चाहिए मान लो एक स्मार्टफोन, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर हम अपने दिमाग में सोचेंगे इमेजिनेशन को इमेजिनेशन के थ्रू सोचेंगे कि ये फ़ोन अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है। उसके बाद में कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि अल्टरनेटिव्स को सर्च करेंगे कि उसी रेंज में और कौन कौन से फ़ोन्स आ रहे हैं, है ना। फिर उन सारे फ़ोन्स को जब हम देखेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं तो अल्टरनेटिव को चूज़ करना भी हमारा काम होता है, और जब हम सिलेक्ट कर लेंगे अल्टरनेटिव को देख लेंगे सारी चीज़ें कि इस रेंज में ये अच्छा फ़ोन आ रहा है तो हम क्या करेंगे देन उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एंड अल्टरनेटिव। और जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे उस प्लान को कि चलो ठीक है फोन हमको क्या कर लिया, हमने जब सिलेक्ट कर लिया तो अपने प्लान क्या है मेरा कि खरीदना है। ठीक है, खरीद करके हम क्या करेंगे उसको क्या करेंगे खरीदेंगे, और फिर हमारा जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ों को करेंगे। तो ये तो केवल एक फ़ोन खरीदने की बात हुई बट जब हम उसको कभी भी अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में तो हमारी ये 7-8 स्टेप फॉलो होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स हो गए ये प्लानिंग के, अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब देखो प्लानिंग हमारा खत्म हो चुका है, प्लानिंग का ही एक पार्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आता है आपसे कभी कदा छोटे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है
बड़े में भी पूछ लिया जाता है या फिर केस स्टडी भी इससे रिलेटेड दी जाती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ों का डिसीजन लेना आना चाहिए एक मैनेजर को, ठीक है। उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसको कौन सा गिफ्ट देना है दीपावली पे, है ना, किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, कैसे लॉस को इंक्रीज घटाना है, ये सारी चीज़ें एक मैनेजर को पता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताए भी हों कि किस तरीके से, देखो दिवाली वाला भी एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट को अगर मान लो नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो उसका कौन कौन सा वे हो सकता है, उसको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ही पार्ट होती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पर फिर भी छोटे में आ सकता है। टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात करी जाए तो देखो आपके एक आता है, सबसे पहले बात आता है आपका एक प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। आपको क्या करना रहता है, प्रोग्राम डिसीजन के ऊपर देखना रहता है कि आपका जो भी डिसीजन है वो पहले से प्रोग्रामड है या फिर नॉन प्रोग्रामड है। इसका मतलब होता है आपका कि मतलब कि एक मैनेजर को अगर डिसीज़न लेना होता है तो उसको ये देखना रहता है कि जो भी उसका मतलब कि जो भी जिस भी चीज़ में वो डिसीज़न लेने जा रहा है वो प्रोग्राम्ड है या फिर नॉन प्रोग्राम्ड है। अगर देखो जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्लॉय है वो रोज़ लेट होता है, तो जो सभी के साथ में रूल होता है कि भाई उसका सैलरी काटा जाएगा, वेज काटा जाएगा, वही उसके साथ में भी उसके साथ में फिक्स किया जाएगा। यानी कि ये क्या है, प्रोग्राम्ड मतलब पहले से फिक्स है। बट नॉन प्रोग्राम्ड के अंदर क्या आता है, जैसे कि मान लो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ गई, मान लो कोई नई समस्या आ गई, तो उस चीज़ से रिलेटेड उस चीज़ को किस तरीके से डील किया जाए वो आपका हो गया नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है। इसी तरीके से आपको मेजर माइनर डिसीजन को लिखना है, इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन को लिखना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लिखना है, किस तरीके से आप सिंपल डिसीजन को लिखते हो, कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लेते हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर स्टेप्स देखो, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आगे का समय मिले। हालांकि सारे शॉर्ट वीडियोज़ को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ पर क्या एक तरीके से रिवीजन क्लास चल रही है तो उसको जल्दी जल्दी इसी वजह से मैं, अगर सारी चीज़ों को एक एक करके मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और इतने में तो आप भी थकोगे और मैं भी थकूंगा, ठीक है। तो इस वजह से ही आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। आपको सारी चीज़ों का पीडीएफ का जो भी लिंक होगा व्हाट्सअप पे मिल जाएगा, अच्छे से रात भर में पढ़ लो, कल सुबह पेपर देना, उसके बाद में आराम से सोना। यहाँ पर देखो क्या है आगे, स्टेप्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं अगर आपको कोई भी तरीके का एक डिसीजन लेना, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने देखना है कि जो भी डिसीजन की प्रायोरिटीज़ को सेट करना रहेगा कि अमंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको अल्टरनेटिव्स को देखना आना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीज़ों से उसको डील कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके बाद में आप उसको देखोगे रियल एंगल, हर एक एंगल से देखोगे, मतलब कि केवल ऐसा नहीं कि एक ही एंगल से देख रहे हो कि कोई भी अगर मान लो प्रॉब्लम आई है तो उसको केवल एक एंगल से देख रहा हूँ, सारे एंगल से देखो कि इस तरीके से भी क्या ये प्रॉब्लम है, क्रिएटिव है, कोई इसका ऐसा तो नहीं एडवांटेज हो या फिर डिसएडवांटेज हो किसी दूसरे एंगल से देखने पे। तो यानी सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मेजर कर लो प्रॉब्लम को किस तरीके से है। उसके बाद में सारी चीज़ों को करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे फोर्थ में आप क्या करोगे, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सारे अल्टरनेटिव्स को मेजर करने के बाद में एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करोगे उसका सॉल्यूशन का, कि कौन से सॉल्यूशन से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और जब आपने इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेना है, देन आपको क्या करना है कि फॉलो अप द एक्शन, उस चीज भी जो भी आपने अल्टरनेटिव को चूज किया कि इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तब आपको क्या करना है उसका फॉलो अप एक्शन, एक तरीके से इसमें एग्जांपल दे देना, इस तरीके का लिख करके पूरी सारी चीजों को, इस तरीके जितनी भी कहानी उसको ऐसे लिख देना, कोई भी एग्जांपल सबसे अच्छा होता है कि मान लो कि आपको कोई भी तरीके का पास होना है ना, या फिर मान लो फर्स्ट डिवीजन आना है आपका, ये मान लो आपका उद्देश्य है, तो आपको किसी भी तरीके की आपको डिसीजन लेना है उस चीज से रिलेटेड, तो आपने प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफाई किया कि मैं तो क्या करता हूँ कि सो करके उठ नहीं पाता हूँ, ठीक है, जल्दी, या फिर आलस करता हूँ। तो आपने जितना भी देखा उस सारी चीज़ों को देख करके आपने उसके पीछे का रियल एंगल पता किया कि क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है, क्या आप सही से खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, या फिर आपका मतलब नींद नहीं पूरी हो पा रही, ये सारी चीज़ों को देख करके आपने अल्टरनेटिव को चूज़ किया कि कौन से अल्टरनेटिव से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप जल्दी सो, है ना, या फिर आप जल्दी सुबह उठ जाओ, उसके बाद में जल्दी दोपहर में भी सो जाया करो, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है उसके बेस्ट अल्टरनेटिव होते हैं। अब आपने ये सारी चीज़ों को भी देख लिया, तब आपने क्या किया, एक अल्टरनेटिव को चूज़ किया कि चलो ठीक है, अब मैं जल्दी खाना खाऊंगा और जल्दी सो जाऊंगा, और उसके बाद में जल्दी से मैं सुबह उठ करके पढ़ूंगा, तो उस चीज़ को फॉलो अप द एक्शन, मतलब एक्शन के अंदर फॉलो करो। तो इस तरीके से एग्जांपल छोटे छोटे डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ भी दे करके अच्छे से लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें लग रही हैं आप पर, जो भी हैडिंग्स हैं उनको अच्छे से याद रख लो बस, ठीक है, और हैडिंग्स को एक जगह पर लिखते जाओ चाहे। उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। शॉर्ट एनालिसिस
प्रोसेस। आपको सबको पता है कि कोई भी आप काम करना चाहते हो, कोई भी तरीके का स्टार्टअप कोई भी करना करने के लिए जाता है, तो उसको अपनी कंपनी से रिलेटेड चार चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो उसकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए कि कोई भी मान लो कि कहीं पर आपको कोई भी मान लो कंपनी को खोलना है या मान लो स्कूल को खोलना है ना, तो स्कूल को खोलने से पहले आपको वहाँ की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि जहाँ पर जिस जगह पर आप स्कूल को खोल रहे हो वहाँ पर क्या बच्चे हैं। ठीक है, तो हाँ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये क्या है उस चीज़ की स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, वहाँ पर वीकनेस मान लो ये हो गई कि उसके पहले से ही आसपास दो चार स्कूल खुले हुए हैं, तो पहले से ही जो भी स्कूल्स में बच्चे वहाँ पर जाया करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ में ही देखो आपका क्या है कि वहाँ पर अच्छी आपका जो भी सोसाइटी एरिया है वो सब बढ़िया, हरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो सारा एटमोसफियर, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। सेट्स क्या हो गए, सेट्स आपके यही हो गए कि मान लो कि जो भी आपकी आसपास की जो भी स्कूल्स हैं वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कद करेंगे, है ना। अगर आप अच्छे से स्कूल को नहीं चलाओगे तो बच्चे जो भी हैं जो भी उनके पेरेंट्स हैं वो दूसरे स्कूल्स में एडमिशन करवा देंगे। तो कोई भी आप तरीके का एड कोई भी वो करते हो, कोई भी तरीके का स्टार्टअप करते हो या फिर कोई भी तरीके का आप कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हो, तो आपको चार चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ पता हो, उसकी वीकनेस पता हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पता हो, और देन आपको उसके थ्रेट्स पता होना चाहिए। ये चारों पॉइंट्स को आप लिख करके आई होप कि अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है। और अगर अच्छे से देखना है तो आप डिटेल वीडियो देखो जा करके। ठीक है, उसके बाद में देखो MBO क्या होता है, यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MBO क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो MBO का मतलब दोस्तों फुल फॉर्म होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो भी MBO होता है वो उसका मतलब ये है कि कोई भी मान लो कि अगर कोई भी तरीके का डिसीज़न आपने लिया, ठीक है, तो उसको हर एक पर्सपेक्टिव से देखो। मान लो कि आपने डिसीज़न लिया कि हम लोग जो भी अपनी कंपनी को 12 घंटे तक की चलाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने अपने हिसाब से देख लिया कि चलो ठीक है हम 12 घंटे, आपको कंपनी का जो भी है वो टाइमिंग 12 घंटे की हो गई, आपने अपने हिसाब से देखा। बट आपने एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा कि एम्प्लॉयज़ को इसमें कितना पेन होगा, वो उठेगा सुबह जल्दी, है ना, फिर आएगा 12 घंटे अपनी ड्यूटी में देगा, फिर उसके बाद में 12 ही घंटे उसको अपने लाइफ स्टाइल जो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए मिलेगा, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपने नहीं देखा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपने दोनों पहलू को नहीं समझा, केवल आपने अपने तरीके से उसको क्या कर दिया, अपने हिसाब से ऑर्डर को पास कर दिया। इससे क्या होगा, क्वालिटी में गिरावट आएगी, जो भी एम्प्लॉय होगा वो उसके सेटिस्फेक्शन नहीं लेवल में गिरावट आएगी, तो आपका जो भी है जो भी ऑब्जेक्टिव आपने रखा है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हो, उसके ऊपर आपको लाइट एक्सप्लेन करना है। तो जहाँ पर जिस भी पॉइंट पर जिस भी तरीके के पॉइंट पर दोनों ही लोग एग्री कर जाते हैं, यानी कि एक एम्प्लॉय भी एग्री करता है, एक मैनेजर भी एग्री कहता है कि चलो ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर चलो ना तुम्हारी ना हमारी 12 घंटे नहीं ड्यूटी कर सकते हैं, चलो ठीक है 8 घंटे भी नहीं करेंगे, 9 घंटे का टाइमिंग फिक्स करते हैं, 9 घंटे भाई तुमको देना पड़ेगा कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉय भी एग्री हो गया, मैनेजर भी एग्री हो गया, उसका भी काम हो गया और एम्प्लॉय का भी काम हो गया। तो चलो यहां पर से इस तरीके से आपने क्या देखा कि इन अदर वर्ड्स जो भी ये होता है कि दोनों लोग जहां पर जिस पॉइंट पर एग्री कर जाए, मतलब मैनेजर भी एग्री करे और एम्प्लॉय भी एग्री करे, वही तो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब इसके अलग अलग तरीके से आप इसको अलग तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल दिया 12 घंटे ड्यूटी वाला शिफ्ट वाला, तो इसको भी आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। अब देखो इसके कुछ एक एजम्पशंस देख लो, एजम्पशंस भी होते हैं इसके, एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज यही होगा इसका कि इससे आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपकी जो भी होगी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है, और जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लोग क्या होंगे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट रहेंगे, ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। बट इसकी लिमिटेशन वही है जो कि यही है कि इसमें क्या होता है कि मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी तरीके से ऐसे बस क्या किया डायरेक्ट ये इस चीज़ को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और किसी भी तरीके की कंपनी में अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, डिफ़िकल्टी टू सेटिंग गोल इंडिविजुअली, मतलब कि सभी लोगों को जो भी है पूछना रहता है कि सभी लोगों के लिए अलग अलग। अब मान लो कि कोई एक एम्प्लॉय तो राजी है कि वो चलो 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार है, बट दूसरा जो एम्प्लॉय है वो नहीं तैयार है, ठीक है, वो चाहता है कि नहीं मैं 9 घंटे भी नहीं करूँगा, मुझे तो 8 ही घंटे चाहिए, तो ठीक है। तो उसके हिसाब से आप हर एक एम्प्लॉय से अलग अलग नहीं पूछ सकते, तो ये क्या है कि इसका ये भी लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद में इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब सारी जो भी चीज़ें हैं कि बार बार चीज़ों को चेंज करना रहता है, जो भी आपके रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं उन सारी चीज़ों को चेंज करना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो लैक ऑफ सपोर्ट,
मतलब कि जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स जो भी होते हैं उनका कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है और वो केवल अपने मनमानी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके कुछ एक लिमिटेशंस हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के। आई होप दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा, इसके कुछ एक स्टेप्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख करके लिख सकते हो। अभी हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन इसी के साथ में। तो सेकेंड यूनिट में दोस्तों हमारा जो भी टॉपिक आता है डेट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। हमारे कौन से फाइव फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सीज है ना, कंट्रोलिंग हो गया। तो इस तरीके के पांच ऑब्जेक्टिव्स में से हमारा प्लानिंग पहले खत्म हो गया। प्लानिंग में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को भी देखा, शॉर्ट एनालिसिस को भी देखा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को भी देखा। अभी देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग से आप क्या समझते हो? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब दोस्तों होता है कि किसी भी तरीके की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लाइक कि केवल अगर 10 मेंबर्स का ग्रुप हो गया, सभी लोग खड़े हो गए वहाँ पर, तो उससे आपका कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइज आप नहीं करो। लाइक ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना। कोई भी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से सभी लोग क्या करें, एक कॉमन गोल की तरफ अपना एफर्ट लगाएं, और उस जो भी वो गोल होना चाहिए उन सभी लोग क्या करें कि उस कॉमन गोल की तरफ अपना एफर्ट लगाएं और सभी लोग उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब इस तरीके से आता है कि जो भी होता है ऑर्गेनाइजिंग, ये क्या होता है, सेकेंड फंक्शन होता है आफ्टर प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद में हमारा ऑर्गेनाइजिंग आता है स्टेप, और इसके अंदर हमको क्या करना रहता है, जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास में चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे पास में मैन पावर, उन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना रहता है, जिससे कि सो दैट कि हम अपना बेस्ट आउटपुट उनसे निकलवा सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब होता है। तो इसके यहाँ पर देखो कि देर इज़ नो स्टैंडर्ड डिफिनेशन, कोई भी इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं, बट यहाँ पर एक राइटर समझ लो, सॉरी स्कॉलर समझ लो, अमिती इजीटोनी करके है ना, यहाँ पर से इनका अच्छे से नाम आप देख लेना, थोड़ा अजीब सा है, बट इनके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि लोगों से यहाँ पर डिलीबरेटली, मतलब कि जो भी है इनका कहना ये है कि अगर लोगों के ग्रुप को जानबूझ करके डिलीबरेटली, मतलब कि अगर लोगों के एक ग्रुप बना दिया जाए, लोगों का ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप का अगर कोई भी एक गोल को रख दिया जाए, ठीक है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए सभी लोग क्या करेंगे, अपना फोकस लगाएंगे, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसमें इसकी बेसिक डिफिनेशन दे सकते हो कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, सोशल गैदरिंग प्लेटफॉर्म होता है, सभी लोग जहाँ पर आते हैं इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, एक कॉमन गोल की तरफ सभी लोग अपना क्या करते हैं, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और जो भी है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स होते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। या ये आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है। बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं रखनी है, बट आपको ये इतना छोटा सा आपको एक चीज़ आपको एक लाइन याद होनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवार्ड्स टू अचीव द कॉमन गोल, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखो इसका नेचर, पर्पस, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस। इसका नेचर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सभी लोगों का अपना अपना एक वर्क डिवाइड होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, लोगों के बीच में क्या होता है, एक तरीके से समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके बाद में म्यूचुअल गोल्स होते हैं, जैसे अलग अलग सभी के गोल्स हो गए, लाइक कि वेरियस डिपार्टमेंट सभी लोगों के अलग अलग गोल्स हो गए, जैसे HR डिपार्टमेंट है उसका अलग गोल हो गया है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका गोल हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है। सेल्स हो गया तो सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए, तो ये सारे इसके नेचर हो गए कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके हिसाब से उनको अथॉरिटी भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसका पर्पस क्या क्या है, टू इंक्रीज द मैनेजमेंट इफिशियंसी मैनेजमेंट की बढ़ाना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का जो भी है अच्छे से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जो आपकी मैन मशीन मटेरियल ये सारी चीज़ें उनका सबका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है उसके ऑर्गेनाइजिंग करके। और यहाँ पर देखो कि अलाउइंग जजिंग एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि एक एम्प्लॉय जो भी उसकी एबिलिटीज़ को जज करके उसको अच्छे से उसकी पोजीशन पर लेकर के रखना, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर कुछ एक चीज़ें, प्रिंसिपल देख लो, प्रिंसिपल में आपका यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक सुपरवाइजर के नीचे कितने लोग काम कर सकते हैं। मान लो कि एक टीचर है वो अपने क्लासरूम में 120 बच्चों को भर लेता है, ठीक है, और उन सभी बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर पाएगा, इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा कि बच्चों को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो क्लासरूम, तभी सेशन ए बनाया जाएगा, सेशन बी बनाया जाएगा अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि अलग अलग तरीके से काम करना, यूनिटी ऑफ कमांड, तो ये सारी चीज़ें इसके प्रिंसिपल में आते हैं। स्टेप्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, स्टेप्स इसके फोर मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर रिव्यूइंग, मतलब कि जो भी अपने प्लान होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको क्या करना, रिव्यू करना रहता है। फिर आपको एक्टिविटीज़ को देखना रहता है, यहाँ पर इसके चार मेजर स्टेप्स होते हैं या फिर प्रोसेस आप बोलो ऑर्गेनाइजिंग के, डेट इज़ की
सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि आपको किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। मान लो आपको सेल्स अपनी बढ़वानी है, तो इस तरीके का आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया। ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करोगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ दोगे कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर यही चीज़ बताएगी, क्लासीफाइंग ग्रुप एक्टिविटीज़, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटीज़ को देना। उसके बाद में जो भी जितने भी लोगों को काम दिया गया उसके हिसाब से उनका रिजल्ट को फाइंड आउट करना, यानी कि इवेलुएट करना कि किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने बुरा काम किया है, तो इसके हिसाब से उनको इवेलुएट करना। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्टेप बोल लो आप, प्रोसेस बोल लो, ठीक है। इसका बाद में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारा जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है लगभग यहाँ पर पांच तरीके का होता है, ठीक है। पांच तरीके में आपका सबसे पहले आपका आता है लाइन स्टाफ, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड मिक्स्ड स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पाँच तरीके के होते हैं। अभी हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक मैनेजर होता है, उसके नीचे उसका एक जूनियर मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, उसके बाद में उसका एक रिटेल मैनेजर हो गया, उसके नीचे उसके एक इंप्लॉयज हो गए। ये क्या हो गया, एकदम सिंपल सा लाइन स्ट्रक्चर, मतलब लाइन स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है, यही आपका क्या होता है लाइन स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक आदमी है। मान लो छोटी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपका, कोई भी तरीके का आपने नया स्टार्टअप किया है, कोई नई छोटी सी फैक्ट्री खोली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हिसाब कर सकते हो। आप उस कंपनी के ओनर बन जाओ उस इंडस्ट्री के, ठीक है, मतलब उस जहां पर भी आप, जिस भी कंपनी में जो भी आपने खोला हुआ है अपना फैक्ट्री वगैरह, उसके आप ओनर बन जाओ। उसके नीचे आपने एक किसी व्यक्ति को रख लो जो आपका भरोसेमंद हो, उसके नीचे क्या करो कि एक और भी एक दो लोगों को रख लो जो अच्छे से लोगों के साथ में डील कर सकते हो, उसके नीचे क्या करो दो चार लोगों को काम करने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं उनको रख लो। यही आपका क्या हो गया लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है दोस्तों, आपका एक तरीके से एक्सपर्ट्स की एंट्रीज हो जाती है। अब मान लो सारे फंक्शन आपका सारा जो भी है, मान लो फैक्ट्री जो है वो आपकी बड़ी हो गई, ठीक है। तो अब आपकी फैक्ट्री जब बड़ी हो गई तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अलग अलग एक्सपर्ट को भी रखना पड़ेगा, उसमें अलग अलग तरीके कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, कभी कोई इंप्लॉय के झगड़े हो गए, तो कहां तक आप सॉल्व करोगे उन सारी चीज़ों को, आप नहीं सॉल्व कर सकते ना, एक मैनेजर या फिर एक ऑनर नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक एचआर डिपार्टमेंट बनाओगे अलग से, ठीक है, एक्सपर्ट उसमें रखोगे, ठीक है, एक फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाओगे, फिर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग बनाओगे, इसके हिसाब से लोगों को क्या करोगे काम दोगे कि तुम ये काम संभालो, अपनी अथॉरिटी मतलब कि अपनी जो भी है अपनी पावर इन लोगों को दोगे कि तुम ये काम संभालोगे, तुम ये काम संभालोगे और तुम ये काम संभालोगे, और आप क्या करोगे, आप थोड़े से मजे नहीं लोगे, आप वहां पर जाकर के थोड़ा मतलब सोचोगे आगे कि और भी प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से फिर आप उसके जो भी उसके नीचे अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स आ गए, उसके अंदर क्या हो गया, उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स आ गए, यानी जितने भी उसके सुपरवाइजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स के नीचे अलग अलग तरीके के इंप्लॉयज आ गए। तो यहां पर देखो लाइन एंड स्टाफ में क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स जब आ जाते हैं, ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर में क्या था, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा था, बट लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से जो भी है एक्सपर्ट्स की एंट्रीज हुई है, और एक्सपर्ट जो भी होते हैं अपने अपने फील्ड में अलग अलग उनका क्या हो गया, डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है। अब वहीं पर देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल में क्या होता है दोस्तों, और भी ज्यादा ये जब आपका मान लो कंपनी जो होती है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो आप क्या आपको क्या करना रहता है, और भी अलग अलग तरीके के इसके सब फंक्शन बनाने रहते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तोड़ना रहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, R&D अलग हो गया, ठीक है, उसके नीचे उसके जो भी है सब ऑर्डिनेट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पूरी थ्योरी लिखी हुई है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, एकदम आसान शब्दों में लिखी हुई है, हालांकि मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो जाकर के, ठीक है, जो प्लेलिस्ट के अंदर। अभी फिलहाल हम यही कहने का मतलब है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे और यहाँ पर भी देखो ये सब सारी चीज़ें सेम है, बट मान लो कि यहाँ पर का कोई मैनेजर अगर वहाँ करके किसी भी एक छोटे से एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, या फिर यहाँ का कोई भी एक एम्प्लॉय है वो इस तरीके से मैनेजर के पास में जा रहा है, मैन्युफैक्चरर मैनेजर के पास
साथ में जाकर के उससे कोई भी काम पूछ रहा है, या फिर उसके साथ में अपने कोई भी रिलेशनशिप को बना रहा है, या फिर ये दोनों आपस में अपने से बात कर रहे हैं, या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर के दूसरे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर आपस में आ जा करके रिलेशनशिप बना रहे हैं, एक दूसरे से कुछ पूछ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ गई, तो इसी चीज़ को क्या बोला गया यहाँ पर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पर से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ का जो मैनेजर है वो इससे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ का जो मैनेजर है वो इससे भी कांटेक्ट कर रहा है, वो इससे भी कांटेक्ट बना करके रखे हुए। जब सारे लोग एक आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बना करके रखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देखो सभी लोग यहाँ पर सबके देखो लाइन्स बनी हुई कि ये इसके साथ में भी, इसके साथ में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ में भी बात कर सकता है। मतलब कि कोई भी तरीके का डिसीजन लेना हो तो सबके साथ में आपस में एक दूसरे के साथ में सभी लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में बात किया जाए तो इसके अंदर देखो क्या होता है आपका कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपका कोई, मान लो कि ये पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड, अब मान लो कि आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो यहाँ पर से एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो क्या होगा, उनका सबका हेड होगा, और वो क्या करेगा, अपने नीचे एक इस डिपार्टमेंट के बंदे को रख लेगा, एक डिपार्टमेंट के इस तरीके के यहाँ के लोग को रख लेगा, यहाँ के कुछ एक एम्प्लॉयज को रख लेगा। तो ये जो अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे वो अपना तो काम करेंगे ही, मतलब कि ये देखो फंक्शन डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि ये मान लो कि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो अपना काम तो करेगा, प्रोडक्शन का तो काम संभालेगा ही, बट उसके साथ साथ में वो प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि वो यानी कि किसी भी एक और दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर नहीं समझ में आओ, मान लो कि आप किसी भी तरीके के स्कूल में हो, मान लो स्कूल कॉलेजेस में जाओ तो जो भी टीचर्स होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, वो अपने अपने क्लास में जाते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग उनका काम तो मेन क्या है, पढ़ाना ही है, तो वो अपना तो मेन काम कर ही रहे हैं। बट अगर मान लो कि कॉलेज के अंदर कोई भी फेयरवेल पार्टी हो गई या फिर कोई भी एनुअल फंक्शन वगैरह हो गया तो उसी टीचर को क्या होता है, उसी टीचर को काम एक नियुक्त किया जाता है कि तुम ये भी काम करोगे, इसके अलावा तुम क्या करोगे, तुमको बच्चों को देखना भी है कि सारे बच्चे अच्छे से डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो टीचर क्या करता है, उन सारी चीज़ों को भी, उन रोल्स को भी क्या करने लगता है, एक्टिव, उन सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना लगता है, यानी कि वो पढ़ाता भी इसके साथ में, वो करता है कि वो अलग तरीके की जो भी उसको प्रोजेक्ट दिया गया यानी कि जो भी उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दी गई है उससे रिलेटेड भी वो परफॉर्म करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर देखो पावर एक के हाथ में होती है, जैसे मान लो कि एक मैं ही किसी कंपनी का मालिक हूँ या फिर मेरी कोई एक छोटी सी फैक्ट्री है, तो मैं अपने नीचे एक छोटे से क्या करूँगा, अपने असिस्टेंट कोई भी जिसके ऊपर मुझे भरोसा होगा उसको रखूँगा, और क्या होगा, नीचे से दो चार वर्कर्स काम करने लगेंगे। ये क्या होगा, सेंट्रलाइज, मतलब कि पावर सबके पास में, जो मेरी पावर है, मैं कंपनी का ऑनर हूँ तो मेरी पास में मेरी मुझे अपनी औकात पता है। फिर यहाँ पर देखो जो भी उसको पता है कि जो भी मेरे नीचे काम कर रहा है या फिर मेरा जो भरोसेमंद व्यक्ति है उसको अपना पता है कि हाँ उसको क्या काम करना है, ठीक है, तो सबके पास में सबकी पावर है। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर बात किया जाए कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फंक्शनल अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स में देखा जाए, तो यहाँ पर जो भी एक प्रेसिडेंट है, मान लो इसकी जो भी पावर, इसकी पावर क्या है, इसको तो सेल्स बढ़वानी अपनी है ना, तो इसका क्या है कि इसको तो इससे भी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसको भी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, सभी लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और अपनी पावर को सभी लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि अगर इसकी पावर ये है कि सभी लोगों को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको अपनी पावर को सभी लोगों को तक पहुँचाना होगा कि तुम ये काम करो, मेरा तुम ये काम संभाल लो, तुम मेरा ये काम संभाल लो। इसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एक मैनेजर की, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब पावर एक के ही हाथ में, किसी एक मैनेजर के हाथ में रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो पीडीएफ का लिंक है वो आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, मैं व्हाट्सअप करूंगा तभी मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ एक आप ध्यान रख लो कि जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी पेड है कुछ, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बनाने में, तो आपको 200-400 रुपये खर्च करने के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए ना, केवल अपना इस तरीके की देखनी चाहिए कि किस तरीके का अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आपको बेनिफिट जिसमें आपको लगे कि अगर आपके पास में पीडीएफ होगा उससे आप अच्छे से पढ़ोगे, जो भी सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है तो उससे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और वही सारी चीज़ें आप लिख करके भी आओगे, नहीं तो बुक में बहुत सारी चीज़ें होती है ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो ये देखो डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, ठीक है, मैंने बता दिया। अब देखो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेट इज़ कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, कि
ये एक तरीके से क्या है कि हमारा कभी भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए, आपको केवल डायरेक्ट एक वर्ड में लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, बट वो बाद की बात है। आप एक वर्ड में इसको समझो, समझने के लिए केवल एक वर्ड काफ़ी है, दैट इज़ कि एक सुपरवाइज़र के नीचे कितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स यानी काम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर एक क्लास टीचर वो अपने क्लास के अंदर 120 बच्चों को भरे हुए हैं, तो वो क्या कर पाएगा अच्छे से उन सभी को इफेक्टिव तरीके से उनको उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएगा नहीं, उनको कंट्रोलिंग की उसकी पावर कम हो जाएगी, तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट जो भी एक सुपरवाइज़र है या फिर एक मैनेजर है, वो अपने नीचे कितने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से डील कर सकता है, कितने लोगों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसके दो टाइप्स होते हैं, वाइड स्पैन, नैरो स्पैन, फ्लैट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर होता है टॉल स्ट्रक्चर। एक आपका होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दो तरीके के आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बना करके रखा हुआ, ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो देख लीजिएगा, और यहाँ पर से आप स्क्रीन शॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, तो ये इसके कुछ एक फैक्टर्स हो गए। अभी देखो यहाँ पर फिलहाल हमारा स्टाफिंग आ गया, स्टाफिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग का मतलब दोस्तों होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, मान लो कि कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, केवल यही नहीं कि आपने केवल प्लान कर लिया, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अब जब तक कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब नहीं होगा, मतलब कि एक जो सही इंसान है वो सही जॉब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक स्टाफिंग कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि अब काम करने के लिए भी तो कुछ होने चाहिए ना, काम कौन करेगा। आपने मान लो प्लान कर लिया, प्लान के हिसाब से आपने प्लान करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया, कि जगह ढूंढ करके आपने मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बना लिया, है ना, तो उसके बाद में फिर काम करने वाले बंदे कहां से आएंगे, है ना, काम करने वाले लोग कहां से आएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। देन स्टाफिंग में क्या होगा कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब कि जो भी है कि जितने भी लोग हों उनको राइट जॉब तक पहुंचाना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस आते हैं कि सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट निकालना होता है, रिक्रूटमेंट के अंदर जैसे आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से आपने कोई जॉब वैकेंसी को निकाली, उसके बाद में उसके सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इंटरव्यू वगैरह को कंडक्ट कराया, उसके बाद में इंटरव्यू जब कंडक्ट हो गया तब जब एम्प्लॉय जो है वो ज्वाइन हो गया कंपनी के अंदर, फिर उसके आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने लगे। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं स्टाफिंग के ही होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एक इसके लिखे हुए हैं कि एक तो स्टाफिंग जो होती है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है, अब कोई कंपनी छोड़ करके जाएगा तो दूसरी पकड़ेगा कंपनी आ करके, तो यही क्या होती है कंटिन्यूअस, मतलब कि ये क्या होती है कंटिन्यूअस चलती रहती है। उसके बाद में इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरल फंक्शन, मतलब कि एक मैनेजर को स्टाफिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। फिर ये क्या है कि परफॉर्म बाय द ऑल मैनेजर, चाहे वो आप किसी भी तरीके के मैनेजर हो, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा स्टाफिंग अपने कंपनी में। आपको अगर मैनेजर हो अगर आप, तो आपको अपनी कंपनी में लड़कों को भरना ही पड़ेगा, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप सही से काम करवा सकते हो लोगों को। जब तक कि लोग नहीं होंगे तब तक आपके पास में काम किससे करवा। फिर यहाँ पर देखो स्टाफिंग हेल्प्स टू प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, कि मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको सही से उनके अकॉर्डिंग जॉब मिले। अब जैसे मान लो कि एक पर्सन है, उसको अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मतलब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज है, उसको बैंकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा उस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, वो सारी चीज़ों को देखेगा, है ना। तो इसी तरीके से मतलब कि स्टाफिंग में मतलब क्या होता है कि हर एक बंदा जो भी हो अपनी स्किल्स के हिसाब से क्या हो अपने राइट पोजीशन तक पहुंचे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं स्टाफिंग बोलते हैं। इसका कुछ एक प्रोसेस है, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, मैन पावर की प्लानिंग करनी होती है। मैन पावर की प्लानिंग करोगे कि कितने लोगों की ज़रूरत है कंपनी में, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है कि आपने कंपनी को बताना है लोगों तक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि ये हमारी कंपनी में पोजीशन निकली हुई, आप आइए और अपना यहाँ पर से आप रेज्यूमे वगैरह सबमिट करिए। फिर आप जब सभी लोग सबमिट करेंगे देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे जितने भी लोग सबमिट करके गए, तो अब आप उन लोगों में से सिलेक्ट करो कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है। देन आप क्या करोगे, प्लेसमेंट करवाओगे सबका, क्या करवाओगे, प्लेसमेंट करवाओगे कि तुम इस जगह पर काम, मतलब प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे कि कभी कदार होता है ना कि कोई कंपनीज जो होती हैं वो स्कूल्स में भी जाते हैं, उनका प्लेसमेंट करवाना। देन उसके बाद में उनको कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाओगे कि ये हमारी कंपनी इस चीज़ से रिलेटेड है, फिर उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोगे कंपनी के अंदर आकर के। उसके बाद में उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उस चीज़ को एनालिसिस करोगे, उनको काम भी सौंपना स्टार्ट करोगे, फिर उनकी जो भी परफॉर्मेंस आती है उस चीज़ को एनालिसिस करोगे। अब उसके हिसाब से फिर आपने देखा कि ये आदमी जो भी है वो किस तरीके का काम कर रहा है, उसके हिसाब से आप उसका प्रमोशन करोगे एक दो साल के अंदर, उसके बाद में या फिर उसका ट्रांसफर करोगे। और अगर वो सही तब पर भी अच्छे तरीके से काम करने में समर्थ नहीं, मतलब नहीं
नहीं कर पा रहा तब आप उसको क्या करोगे, कंपनी से बाहर यानी उसको सेपरेट कर दोगे। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ एक प्रोसेस है स्टाफिंग का, स्टाफिंग का यही प्रोसेस होता है। अब देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट अभी मैंने बताया ना, रिक्रूटमेंट में आपका यही प्रोसेस होता है कि आप सभी लोगों को बताते हो कि मेरी कंपनी में ये वैकेंसी खाली है, इसके लिए आप देखते हो कि जैसे जो भी जॉब की प्रोफाइल होती है, जॉब की प्रोफाइल को दिखाते हो, है ना, फिर जॉब की डिस्क्रिप्शन इसको बताते हो कि हमारे जॉब की डिस्क्रिप्शन मतलब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कौन सी परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से आपको ये जॉब मिलेगी, कौन कौन सी आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट के अंदर आती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इसके दो प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, या तो आप इंटरनली मतलब कि अपनी कंपनी के अंदर से ही लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दो, जैसे मान लो कि किसी का प्रमोशन कर दो, किसी का ट्रांसफ़र कर दो, किसी का डिमोट कर दो, है ना, या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ही उनकी आधी सैलरी देकर के उनसे काम करवाने लगो, तो ये आपका इंटरनल होता है, ये आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर दो। बट एक्सटर्नल की अगर बात किया जाए तो उसके अंदर आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं, जैसे पेपरों में भर्तियाँ आती हैं कि हमारे यहाँ इतनी भर्ती निकली हुई है, या फिर naukri.com, ये अलग अलग तरीके के जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए उसके अंदर अलग से आते हैं, कैंपस में आप जाकर के भर्तियां करवाते हो। ठीक है, प्लेसमेंट की ड्राइव्स लगाते हो अलग अलग, है ना, जैसे रोजगार मेला, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं, तो लेबर्स के जो भी कांटेक्ट करते हो, लेबर से कांटेक्ट करते हो कि किस तरीके से आपको ये सारी जितने भी सोर्सेज होते हैं, उसके दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। इसका प्रोसेस क्या है कि आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है, उसके बाद में सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट करना है उन सारे सोर्सेज से, फिर आपको तब आपको सिलेक्शन करना होगा। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपने एक बार रिक्रूटमेंट कर लिया कि आपने सभी लोगों को बता दिया, आप लोगों ने आप क्या किया, आपकी कंपनी में रिज्यूम लगाया, उन लोगों ने आपने बता दिया कि हमारी कंपनी में इतनी भर्ती निकली, अब जो भी कैपेबल और परफेक्ट कैंडिडेट्स होंगे वो क्या होंगे कि आएंगे। अब उन कैंडिडेट्स में आपको सिलेक्ट करना है कि उनकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है आपकी कंपनी के हिसाब से कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग तरीके के टेस्ट लेने पड़ते हैं, इंटरव्यू लेना पड़ता है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ता है, है ना, इंटरव्यू के बाद में आप क्या करते हो उनसे हायरिंग की डिसीजन लेते हो, देन आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हो, उसके बाद में फिर उसका क्या करते हो प्लेसमेंट करते हो, मतलब सही जगह पर उसका प्लेसमेंट कर देते हो। तो ये होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब इसके बाद में आता है यहाँ पर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के ऊपर भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ये कुछ नहीं, ये कोई भी चीज़ का मतलब प्लेस्ड करना, सही पर्सन क्या हो, सही जॉब तक पहुँचे अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पर लिखा हो। अब देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने पहले ही बता दिया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पहले का प्रोसेस होता है, बाद में सिलेक्शन प्रोसेस आता है। सिलेक्शन प्रोसेस में कब होगा, रिक्रूटमेंट मतलब कि लोगों को बताना कि मेरे यहाँ पर ये कंपनी में ये वैकेंसी निकली होती, ये आपका रिक्रूटमेंट हो गया। और सिलेक्शन में क्या हुआ, जब लोग आपकी कंपनी में आ गए तब आप उनसे जितने भी लोग आए उनसे सिलेक्ट करोगे कौन आपकी कंपनी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब कंपनी में एक बार जो भी इंप्लॉय होता है वो अगर हायर्ड हो जाता है, फिर आप उसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर आप मान लो उसको कंपनी में अगर आप उसको ट्रेंड नहीं करोगे अपने कंपनी के हिसाब से, तो वो क्या होगा, वो आदमी क्या होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा और उसको सही से काम करने का तरीका नहीं आएगा अब तक, है ना। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी अंतर पूछा जाता है, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म की एक्टिविटी होती है। बट जो भी एक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म की एक्टिविटी होती है। ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देते हो, किसी भी काम को करवाने की उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। बट डेवलपमेंट की बात अगर आती है तो उसकी पूरी सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बातों में डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर मान लो कि देखो ट्रेनिंग का मतलब कि ट्रेनिंग कर करके ही आप डेवलप्ड हो जाते हो। एक पढ़ा लिखा आदमी जैसे मान लो कि अगर जब भी जाता है तो उसका पता चलता है, मतलब कि हाँ ये उसको पता चलता है कि हाँ ये आदमी इस तरीके से, तो यानी कि उसका डेवलपमेंट, उसका बात करने का तरीका, उसका चलना उठने बैठने का तरीका, तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं किसको करते करते, ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग एक तरीके से पहला प्रोसेस होता है, बट डेवलपमेंट होता है वो उसका बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी आता है बट ट्रेनिंग को ले लेकर के आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके सारी चीज़ों के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि जो भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है सारी चीज़ों का, इस चीज़ को देख लेना। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। फिर डायरेक्टिंग आता है हमारा, डायरेक्टिंग हमारे दो तीन फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, प्लानिंग कंप्लीट हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो गया हमारा, स्टाफिंग कंट्रोल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फिर अब क्या होगा, डायरेक्टिंग आ गया। ठीक है, और इसी के साथ में अभी देखो मेरा भी क्या हो गया दोस्तों,
मैं भी थक चुका हूँ, मेरे भी मुँह में दर्द हो रहा है, ठीक है बोलते बोलते, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल मैं अपना ब्रेक लेकर के आ गया, थोड़ा पानी वानी पी लिया, और आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी एक साथ पूरी वीडियो मत देखो, आराम आराम से देखो, रात भर मज़े लेकर के आराम से दो पेपर जा करके, सारी चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी लिखना वहाँ पर आ जाता है, ठीक है, इतना बड़ा इशू कोई भी नहीं है, सारी चीज़ें थोड़ा सा पढ़ के जाओ, और आपकी राइटिंग मतलब MBA में आकर के अगर आप याद कर रहे हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं ना, उसको आपको थोड़ा दिमाग में भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। तो चलो फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग, टाइम सबका कीमती है। यहाँ पर देखो डायरेक्टिंग में हमारा यहाँ पर फोर्थ प्रोसेस आ गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले प्लानिंग पढ़ा था, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, और अब डायरेक्टिंग। अब देखो, जब आपने एक बार क्या किया दोस्तों, कि एक बार आपने क्या किया, सभी लोगों को स्टाफिंग कर लिया, मतलब सारे लोगों को क्या कर लिया, स्टाफ कर लिया, मतलब सभी लोगों को भर लिया अपनी कंपनी में, ठीक है। अब सही पर्सन सही जॉब पर आ गया, तो अब उसके बाद में उसका क्या प्रोसेस करोगे, डायरेक्टिंग, मतलब उसको डायरेक्शन देना कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। कब करोगे, जब सभी लोग आपकी कंपनी में होंगे, स्टाफिंग करोगे, है ना। उसके बाद में यही होता है कि डायरेक्टिंग के मतलब सभी लोगों को उसके कंपनी में जितनी भी अलग अलग फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स के हिसाब से उसको डायरेक्टिंग करना कि तुम ये काम करोगे, उनको ऑर्डर देना सीधे शब्दों में बोले तो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। इसके यहाँ पर प्रोसेस है, पर्पज़ लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखो, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग के एफर्ट्स लगाओ, उसके बाद मेजिंग द वर्क, डेवलपिंग द पीपल, यानी कि उसके हिसाब से उनको डेवलप करो और फिर उनको ऑर्डर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी डायरेक्टिंग की, कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है लोगों के बीच में समन्वय बना करके रखना। अब देखो कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि कोऑर्डिनेशन में बात किया जाए, तो कोऑर्डिनेशन एक तरीके से क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि समन्वय। अब मान लो कि जैसे कि सेल्स, जैसे होली आई, ठीक है, तो होली है, दिवाली है, बड़ी बड़ी जो भी कोई भी त्यौहार आया, तो उसमें क्या होती है, सेल्स इंक्रीज होती है और सेल्स बढ़ती हैं, बट जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है वो उस समय अपना अच्छे से काम करता है, सेल्स उसके अपने अच्छे तरीके से काम करता है। वहीं पर अगर मान लो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर रहा, वो चीज़ों को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो प्रोडक्शन पूरा नहीं दे पा रहा है, तो कहाँ से सेल होगी, जब प्रोडक्शन जब चीज़ ही नहीं होगी, जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा, तो वो मार्केट में सेल किस तरीके से होगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं समन्वय बना करके रखना, दोनों चीज़ों के बीच में मतलब एक तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। या फिर जब किसी भी टाइम होता है कि जब कभी मान लो इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, मान लो कि अगर वो खूब सारा प्रोडक्ट को बनाता ही जा रहा इकट्ठा कर लिया उसने माल को, इकट्ठा बहुत सारा बना करके रख लिया, और सेल्स वाला बेचारा बेच नहीं पा रहा है, या फिर प्रोडक्शन वाला बना नहीं पा रहा, वो इतनी सेल्स हो रही है, तो इसी चीज़ को बोलते कोऑर्डिनेशन। मतलब कि कोऑर्डिनेशन मतलब हर चीज़ में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में भी होना चाहिए, लोगों के कामों के बीच में भी होना चाहिए, इसी चीज़ को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर पूरी इसकी मीनिंग डिफिनेशन सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पर देखो क्या है कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इससे आप बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकते हो, यूनिटी को बना करके रख सकते हो, एक समान सभी लोग काम करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, जो भी कॉस्ट होगी वो भी कम होगी, मान लो प्रोडक्शन वाला खूब सारा प्रोडक्शन भर के रख दे, है ना, उस सेल वाला सेल ना कर पाए, तो आपका सारा प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो यही इससे क्या होती है, कॉस्ट में भी आपकी बचत होने लगती है, यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में इसके कुछ एक इंपॉर्टेंस है, अब एक फिलहाल देख लो कंट्रोलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा कौन कौन सा हो गया, प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पर फिफ्थ नंबर इसके पे आ चुके हैं, दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, ठीक है, अब आपने डायरेक्टिंग भी दे दिया, कंट्रोलिंग का मतलब कि कोई भी चीज़ों को कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब कि बहुत सारे अब कंपनी के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइज स्कूल हो कॉलेज हो, उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करना आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, इस एग्जांपल को लिख भी देना, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया कि सारा दिन में क्या बनेंगे, 1000 पार्ट बनेंगे, है ना, उसने ये चीज़ का ऑर्डर दिया कि सारा दिन में 1000 पार्ट बनना है, 1000 प्रोडक्ट बनना है, इस चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब मान लो कि देखा गया तो शाम तक की केवल 800 ही पार्ट बन पाए, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने क्या किया, 800 ही पार्ट बनाए, है ना, तो यहाँ पर से 200 पार्ट का क्या हो गया, गैप आ गया। अब इस गैप, ये गैप क्यों आया, इसके पीछे की क्या वजह रही, या तो एम्प्लॉयज़ ने अपना अच्छा 100% बेस्ट आउटपुट नहीं दिया, या फिर लाइट चली गई थी, मशीन खराब हो गई थी, या फिर ज़्यादा देर का ब्रेक हो गया था, कौन सी प्रॉब्लम आई उस चीज़ के पीछे, इस चीज़ को देखना है, उस चीज़ की प्रॉब्लम को देखना, आइडेंटिफाई करना, और उस प्रॉब्लम वो जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, और वो प्रॉब्लम दोबारा फ्यूचर में क्रिएट ना हो, इसके लिए
उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, यानी उस चीज़ के ऊपर फोकस करना, कंट्रोल करना। तो ये 200 पार्ट के ऊपर क्या होगा, 200 पार्ट के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा जो भी एक्टिविटी होगी। मान लो कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयज़ ने अच्छे से तरीके से काम अपना नहीं दिया होगा, उन्होंने बेस्ट आउटपुट नहीं दिया होगा, तो किसके ऊपर कंट्रोल होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। वहीं पर अगर मान लो मशीन ख़राब हो गई होगी तो किसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, मशीन के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा कि मशीन फ्यूचर में ख़राब ना हो। तो ये 200 पार्ट का जो गैप आया कौन सी वजह से आया, इसके पीछे की वजह बतानी होगी। तो वजह को बताने के लिए आपको चीज़ों को कंट्रोल भी करना आना चाहिए। तो इसी चीज़ को आप बोलते हैं कंट्रोलिंग, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जो वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन बिटवीन द स्टैंडर्ड्स, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया और जो आपका यहाँ पर से एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर क्या, ये आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। तो इसके बीच में आपका क्या है कि स्टैंडर्ड्स, मतलब कि इसके बीच में वेरिएशन कितने का है, 200 का है। ये क्यों आया, इसी चीज़ को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मतलब इसको फ्यूचर में आप नहीं होने देना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो इसके कुछ एक यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स को देख लेना। उसके बाद इसके कुछ एक टेक्निक्स है, टेक्निक्स में देखा जाए तो देखो PPC डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की होती है, प्रॉफिट और लॉस को अलग तरीके से किया जाता है, इवेंट एनालिसिस करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की यहाँ पर सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म की जाती है। इसके कुछ एक टूल्स और टेक्निक्स है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो देख लेना। यहाँ पर से इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देख लेना अपने हिसाब से, लिख देना, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा फाइनली यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दैट इज़ कि MBE का मतलब क्या होता है। MBE का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। अब मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन में एक आपकी बहुत ही फेमस कोट है, दैट इज़ कि ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। मतलब कि अगर आपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहे ना, अगर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गए, अगर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गए तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही फेमस अच्छी कोट है। ठीक है, इसको आप ज़रूर से लिख करके आना कि अगर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। बोलते हैं ना कि दो नाव में पैर रख करके अगर सवार नदी को पार करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो इसी का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या होता है, एक मैनेजर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें को उसको इग्नोर करना है, कौन सी चीज़ें उसको पोस्टफोन करने की, चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे। इस तरीके से इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब कि उसको क्या बोलते हैं कि MBE के नाम से जानते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको उसको कभी कदार इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, उसको पोस्टफोन भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ होती है, उसको कंट्रोल करने से बाहर रखनी पड़ती है, फिर आप दूसरे को अपनी पावर दे सकते हो कि तुम कंट्रोल कर लो इसको मेरी वजह। ठीक है, तो यही होता है, एक मैनेजर का काम होता है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी को यहाँ पर बोलते हैं MBE के नाम से जानते हैं। इसका जो भी पूरा डिटेल थ्योरी है यहाँ पर सारी चीज़ें लिखो, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग फाइनली हमारा जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म होता है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर से हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस बिहेवियर। ठीक है, दो टर्म है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस बिहेवियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोग पढ़ के आए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स टू अचीविंग द सेम और कॉमन गोल। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, यही होता है हमारा बिहेवियर, कि किस तरीके से उनका काम करने का बिहेवियर किस तरीके का है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जाता है, काफ़ी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी डिफिनेशन है, हालांकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया कि दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स का मतलब यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का किस तरीके का बिहेवियर होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और इंडिविजुअल अगर बिहेवियर पूछा जाता है तो इंडिविजुअल बिहेवियर में देखो यहाँ पर से लिखा हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह तो आप लिख ही लोगे, है ना। ग्रुप का बिहेवियर क्या होता है, वही मतलब जो इसी चीज़ को बोलते हैं, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ग्रुप्स होते हैं उसके बिहेवियर को क्या बोलते हैं, ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं। उसकी करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस सारी चीज़ें बताई गई हैं, और यहाँ पर से इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पर भी आता है, दिखा देता हूँ। चलो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, अगर स्लाइड मिस हो गई होगी तो उसमें से आप देख लो कि कभी कदार ग्रुप बिहेवियर की जगह या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जगह इंडिविजुअल का बिहेवियर पूछा जाता है। तो वहाँ पर से आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर आदमी किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से हाँ यहाँ पर यह चीज़ है कि एक पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी किसी भी तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करता है, किस तरीके से वो हैंडल करता है, उसका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, इसी चीज़ को बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। कि एक पर्टिकुलर आदमी किस तरीके की सिचुएशन, मान लो कि मेरे पास में कोई प्रॉब्लम आई,
मेरे पास में मान लो कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आई, कि एक व्यक्ति आया हमसे पूछ रहा है कि मान लो जॉब चाहिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं किस तरीके से बिहेव करूँगा, कि क्या मैं उसके साथ में थोड़ा सा विनम्र पेश आऊँगा कि चलो ठीक है, क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन, अगर मैं मेरे बस में होगा तो मैं उसको जॉब दिलाने की कोशिश करूँगा, है ना। वहीं पर दूसरा क्या बिहेव करेगा, नहीं है चलो जाओ यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से डांट करके भी उसको बिहेव कर सकता है, यानी एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एज, जेंडर, एजुकेशन, एबिलिटीज़, उस वो आदमी मैरिटल कैसा है, मतलब उसकी शादी का स्टेटस किस तरीके का, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं मैटर करती हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को बनाने में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद में देखो ग्रुप बिहेवियर भी आपको पता ही है कि ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लो। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्रुप देखा जाए तो टाइप ऑफ ग्रुप में आपके आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप आता है, ठीक है। इसके अंदर आपके फॉर्मल के अंदर जैसे आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, टास्क से रिलेटेड, कमांड्स से रिलेटेड हो गए, मतलब जहाँ पर आपके टास्क से रिलेटेड हो, कमेटी से रिलेटेड हो गई, ये आपके फॉर्मल ग्रुप हो गए। वहीं पर इनफॉर्मल जहाँ पर आप बैठ करके गप लड़ाते हो, दोस्तों के बीच में रहते हो, फ्रेंड सर्कल के बीच में रहते हो, रिलेटिव्स के बीच में रहते हो, इसी को आपको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। आई होप दोस्तों अच्छे से बना करके आप लिख दोगे अपने मन से, है ना। अब डिसीजन मेकिंग, ग्रुप में डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है, अब ग्रुप में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ये होता है कि कभी कदार की सिचुएशन आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि सबका माइंडसेट एक तरीके का नहीं रहता, ठीक है। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में मतलब होता है कि सभी एक पर्टिकुलर आदमी जो भी होता है वो ग्रुप में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, सभी लोगों से पूछना, उनके हिसाब से कि आप बताओ आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, उसके हिसाब से सबको एक मतलब कि आगे जाकर के एक कॉमन और फिक्स टर्म तक पहुंचना कि हाँ ठीक है ये काम किया जाएगा, सभी लोगों से उनकी सबकी राय लेकर के डिसीजन मेकिंग करना, मतलब डिसीजन तक पहुंचना, डिसीजन लेना किसी भी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, इसी को क्या बोलते हैं हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी क्लियर है, इसको अच्छे से आप लिखोगे। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, जैसे बताया था इंटरपर्सनल जो रोल्स होते हैं मैनेजेरियल रोल में, पर्सनल रोल भी होते हैं, यानी कि आपको बातचीत करने का तरीका, है ना, आपको टीम वर्क में काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथिक स्किल, आप किस तरीके से लोगों को जज करते हो, उनको किस तरीके से एम्पथाइज करते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरपर्सनल स्किल के अंदर, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके पूरी तरह से आप जो भी थ्योरी है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब आगे देखो कि डेवलप किस तरीके से करते हो, इंटरपर्सनल स्किल आपकी कम्युनिकेशन में भी आता है, ठीक है। तो उसको भी मतलब इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इंटरपर्सनल बिहेवियर किस तरीके से होता है एक पर्टिकुलर आदमी का, ये हो गया। हाँ, अब एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पर्सनालिटी इन मैनेजमेंट, पर्सनालिटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी इन मैनेजमेंट, मतलब पर्सनालिटी क्या होती है। तो यहाँ पर देखो पर्सनालिटी का क्या होता है, पर्सनालिटी से मतलब क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी से आप क्या समझते हो, यानी कि जो भी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के बनाते हैं, वो उसकी एजुकेशन हो सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसके एज हो सकती है, है ना, और एज के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी में फिजिकल, यानी कि फिजिकल से चीज़ों से रिलेटेड पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि केवल आउटलुक पे क्लिक के ऊपर आप देखो कि वो आदमी देखने में अच्छा लग रहा है या फिर सुंदर है ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आप देखना पड़ता है, आपको सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ता है कि हाँ ठीक है वो आदमी देखने में भी अच्छा होना चाहिए, उसका माइंडसेट भी अच्छा होना चाहिए, वो किस तरीके से पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करता है सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मिल करके उसके अलग अलग जो भी ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, है ना, और एज, जेंडर, कास्ट, है ना, और मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं एक मैनेजर को, सॉरी एक पर्सनालिटी को परफॉर्म करने में, बनाने में क्या करती है, मेजर रोल को प्ले करती है, यही होता है पर्सनालिटी के ऊपर। आप इसके ऊपर अच्छे से बड़ी डेफिनेशन लिखने के बजाय आप सारी चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ करके लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके या पीडीएफ ले करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर देखो यहाँ पर नेचर क्या होता है, पर्सनालिटी का नेचर क्या होता है, नेचर क्या होती है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, यानी कि चेंज होती रहती है, बट डायनेमिक तो होती है बट बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। यहाँ पर डिपेंडेंट ऑन द वेरियस फैक्टर्स, जैसे इंटरनल फैक्टर्स हो गए, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, किस तरीके माहौल में रहता है, ये भी चीज़ पर्सनालिटी के ऊपर मैटर करती है। फिर इंडिविजुअल का डिफरेंस किस तरीके का, यानी कि कोई आदमी किसी की सोच अलग होगी, कोई की सोच अलग होगी, ये भी चीज़ है। एंड डज नॉट चेंज डे टू डे, जैसे मैंने बताया कि रोज नहीं चेंज होती है, आज जैसी मेरी पर्सनालिटी ऐसी कल भी रहेगी, बट हाँ हमको कोई एक चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे हम क्या करेंगे, सीखेंगे, और जब भी वो क्या होगा दोबारा से कोई भी सिचुएशन उसी तरीके की आएगी तो हम उसमें उस अपने आप को रोक सकेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा नहीं था, है ना। और यूनिक मतलब कि हर एक की जो पर्सनालिटी होती है यूनिक होती है, कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई कैसे बोलता है, कोई किस तरीके के दिखता है, सबकी पर्सनालिटी यूनिक होती है। फिर डिटर्मिनेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं,
जैसे हेरिडिटी, आपके जो भी जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, आपकी अच्छी हेल्थ हो, आप दिखने में अच्छे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक से रिलेटेड होती है। बट वहीं पर कल्चर से रिलेटेड क्या है कि कल्चर के आपका कल्चर किस तरीके का, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का, एक्सपीरियंस किस तरीके का है लाइफ में आपके, है ना, सेल्फ इस्टीम क्या है, पर्सनल सिचुएशन इंट्रैक्शन, आप किस तरीके से किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप हैंडल करते हो, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनैलिटी को बनाने में हेल्प करती है। अब देखो MBTI बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूछा भी जा सकता है और पर्सनैलिटीज़ के ऊपर अगर आए तो ये मॉडल को आपको बताना है, डिस्कस करना है। MBTI मॉडल को लोग काफ़ी कठिन समझते हैं, बट इसके अंदर काफ़ी कठिन है नहीं कुछ ऐसा, आपको बस चार चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जैसा यहाँ पर बना हुआ है, मतलब चार्ज का आठ चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है कि कोई आदमी कितना ज़्यादा लोगों के साथ में फ्रेंडली हो सकता है। वहीं पर इंट्रोवर्जन जो भी होता है वो क्या शो करता है कि आदमी जब चुप रहता है या फिर अपने अपने आप को किसी एक लिमिटेशन में रखता है, इसी चीज़ को बोलते हैं इंट्रोवर्जन। मतलब कि वो अपने आप को एक बहुत मतलब लिमिटेड रखता है, कम बोलता है और इंट्रोवर्ट होता है, ज़्यादा लोगों के साथ में फ्रेंडली नहीं होता इसको, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा में आता है हमारा सेंसिंग इंट्यूशन, दो वर्ड आपको इधर के ध्यान रखने हैं। देन आपको थिंकिंग और फीलिंग ध्यान रखना है। एक आदमी होता है वो सोच करके काम लेता है, दूसरा आदमी क्या करता है फील करके। मान लो कि कोई भी सिचुएशन आई तो उसमें आदमी क्या करेगा, सोच करके काम लेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पर मान लो कि अगर कोई सोचने की जगह फील करके काम लेता है तो वो काफ़ी दयावान होगा, है ना, जजिंग होगा, परसीविंग होगा। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो डिटेल से बनाया हुआ है 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मॉडल के ऊपर, जिसमें से आपके यहाँ पर 16 लिखे हुए हैं, मतलब 16 का मतलब 8 है, 8 के ऊपर बात किया जाए तो इस तरीके से अगर आपको INTJ इस तरीके से आपकी पूरी आपके एक टेस्ट भी होता है गूगल पे, मेरी यहाँ पर थी INTJ करके मेरी कुछ एक थी, मैंने टेस्ट किया था अपना तो निकल करके आया था। यहाँ पर से आप देख लो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या होता है, कितना सोशल है, फ्रेंड्स के साथ में उसे किस तरीके से रहता है। इंट्रोवर्जन का मतलब कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, चुपचाप रहता है, अपनी फीलिंग और आइडियाज़ को दूसरों के साथ में शेयर नहीं करता है ना। सेंसिंग में आपका आ जाता है जैसे वो रियल हो गया, एक्चुअल वो किस तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता है। इंट्यूशन में आपका जैसे आपका आ गया कि कौन सी चीज़ों को सेंस करने से रिलेटेड, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं वो सुन करके लगाते हैं दिमाग, है ना। आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंट्यूशन। मतलब क्या, आप अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हो। थिंकिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, थिंकिंग के अंदर आदमी एक सोच विचार करके काम डिसीजन लेता है। फीलिंग में क्या होता है कि आदमी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत मतलब आराम से वो सोच करके काम करता है थिंकिंग में। फीलिंग के अंदर ये हो गया, है ना। फिर यहाँ पर जजिंग, जजमेंट के अंदर क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को लास्ट में स्ट्रेस को अवॉइड करता है। जैसे मेरे अंदर क्या है कि लास्ट मिनट को कोई भी स्ट्रेस आ गया, जैसे मान लो कि कोई भी पेपर के लिए है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो लास्ट मिनट में जितनी अच्छी तैयारी हो जाती है वो उतनी अच्छी पहले से बना करके अगर मैं स्ट्रेटजी चल लूँ, ये पढ़ लूँगा, ये पढ़, तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो यही जजमेंट मतलब कि पहले से तैयार करके रखना, कोई आदमी होते हैं पहले से तैयार करके रखते हैं, कोई आदमी क्या होते हैं लास्ट मिनट में सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में। MBTI इसके मॉडल है, ठीक है। आप यहाँ पर से केवल 8 चीज़ों को इसको ध्यान रख लो, एक्सट्रो, इंट्रो, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग एंड परसीविंग परसेप्शन। तो ये कुछ एक चीज़ें, इनको आप अच्छे से ध्यान रख लो और इनके हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, डेट्स इट, अगर आपको पास में आ जाए, है ना। फिर आपका आता है Big 5 पर्सनैलिटी मॉडल। Big 5 पर्सनैलिटी मॉडल आपको क्या बोलता है कि एक जो भी आदमी होता है उसके अंदर कौन सी अलग अलग कोई भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बताया गया ओशियंस, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। O स्टैंड फॉर ओपननेस, C स्टैंड फॉर कॉन्साइजनेस, देन एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस एंड कंट्रोल इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पर N का मतलब होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब किस तरीके से जो भी एक आदमी होता है वो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को किस तरीके से मेंटेन करता है। अब जैसे मान लो कि कोई का भी कहीं पर जॉब लग गई, तो अब वो आदमी क्या होगा, बहुत खुश होगा, सबको बता दिया जा करके, उसकी इमोशनल जो भी वो कंट्रोलिंग पावर वो क्या बहुत कम है, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो समझ जाओ कि वो क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं पर कोई आदमी होता है तो वो कंट्रोल कर ले जाता है अपने आप को, थोड़ा सा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, इस तरीके से कंट्रोल करना। एग्रीएबलनेस, एक आदमी होता है कि वो दूसरों की
हाँ में हाँ मिलाता है। वहीं पर दूसरे लोग क्या कहते हैं, गुड नेचर, मतलब कि उस तरीके का अगर हाँ में हाँ मिलाओगे तो आपका जाहिर सी बात है सभी लोग अच्छे दोस्त होंगे, है ना। एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि दूसरों लोगों के साथ में बात करना, उनके साथ में हंसना खेलना उठना बैठना, ये सारी चीज़ें आगे। उसके बाद में वहीं कॉन्शियसनेस के अंदर अगर बात किया जाए तो एक आदमी सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर कितना है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज किस तरीके का है, ये सारी कॉन्शियसनेस के ऊपर बात हो गई। उसके बाद ओपननेस, एक आदमी कितना ज़्यादा ओपननेस होता है, वो कितना ज़्यादा खुल करके सोचता है, कितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ये आपके 5 मॉडल्स हो गए बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल के अंदर। ये आपको 5 वर्ड्स ध्यान रखने हैं और इसको अच्छे से लिख करके भी आना, ठीक है। अगर आपको 5 वर्ड ध्यान करके उनको लिख भी देते हो जा करके, दैट्स इट, इतना भी सफिशियंट रहेगा, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और लिखने के अकॉर्डिंग जो भी होता है, मतलब आप केवल हैडिंग्स को ध्यान रखो, उसके पर ज़्यादा फोकस करो और लिखने के पर भी फोकस करो, बट उतना केवल आप चीज़ों को आप लिखने से रिलेटेड समझो, जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ों को समझो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको एक बार पढ़ के आप समझ लो, ठीक है, याद मत करो, याद करोगे तो आप फंस जाओगे। आपको याद क्या करना है, हैडिंग्स को याद करना है ना, बस ये बात है। उसके बाद में हमारा फाइनली आ जाता है एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के बाद में एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों, एटीट्यूड से हमेशा हम इसको नेगेटिव टर्म में यूज़ करते हैं कि एटीट्यूड, मतलब कि आदमी बहुत ज़्यादा ईगो है उसके अंदर, बट एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। एटीट्यूड जो भी होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस तरीके से होगा, जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो मान लो कि कोई भी क्लास में बच्चा है, उसको कोई भी डांट पड़ी, उसके टीचर ने उसको डांटा, ठीक है, तो अब वो बच्चा होगा वो टीचर को किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो कोई होगा अगर अच्छा बच्चा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसका, तो वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है टीचर ने मुझे डांटा, अगली बार से मैं अच्छे से काम करूँगा, या फिर मैं सही तरीके से काम परफॉर्म करके दिखाऊँगा, या फिर सही तरीके से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचता। मैं फिर कोई अगर निगेटिव अगर उसका होगा तो वो क्या सोचेगा, अरे वो तो टीचर ऐसी, वो हमेशा डांटा करती है, तो इसका वो ये रिप्रेजेंट है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है एटीट्यूड से रिलेटेड, पूरी सारी चीज़ों को देख लेना। 4 टाइप के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में समझ गए कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब कि ना आपका पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज़ है, शादी में किसी को पसंद ही नहीं है तो जाना ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है न्यूट्रल, ना पॉजिटिव है, अरे हाँ ठीक है हो रही है हो रही है। जो भी लोग सड़क में, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं सो जाते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत, ना उनको कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। वहीं पर आता है स्कैन एटीट्यूड करके, ठीक है। तो इस एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड होता है वो निगेटिव कैटेगरी में आता है। निगेटिव कैटेगरी में तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है निगेटिव ही सोचते हैं, बट यहाँ पर स्कैन एटीट्यूड में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी आदमी का ये माइंड सेट होता है तो वो क्या करता है, पॉजिटिविटी में भी इसको निगेटिविटी दिखती है। अगर कोई अच्छी भी चीज़ होती हो तो पर भी उसको क्या दिखेगी, निगेटिव ही चीज़ दिखेगी इसके अंदर। फोर्थ नंबर स्कैन एटीट्यूड करके, यहाँ पर सही से प्रोनाउंसिएट नहीं होता, बट आप अच्छे से इसको देख लेना, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ एक अलग से एटीट्यूड के मॉडल हैं, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड क्या बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके अंदर आपके 3 वर्ड होते हैं, ABC, दैट इज स्टैंड फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कोग्नेटिव कंपोनेंट। तो इसका यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, दैट स्टैंड्स फॉर कि फीलिंग, कोई आदमी की फीलिंग किस तरीके से, वो किसके ऊपर, फीलिंग के ऊपर। अगर कोई भी तरीके का फीलिंग से रिलेटेड एटीट्यूड होता है, कोई लोग क्या करते हैं, बहुत ही फील करके किसी भी तरीके के एटीट्यूड को बनाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि एक रमेश है, तो रमेश अगर वो कोई भी है, अगर वो हिरणों को मारता है, अगर मारता है तो उससे रिलेटेड क्या है कि मुझे उसका, उस वजह से रमेश नहीं पसंद है, क्योंकि वो क्या करता है, वो शिकार करता है, हंटिंग करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा जो भी एटीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब फीलिंग के ऊपर, क्योंकि मेरी पर्टिकुलर उस व्यक्ति के साथ में, उस जानवर के साथ में क्या है, फीलिंग बंधी हुई है। वहीं पर बी मॉडल क्या बोलता है, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल, बिहेवियरल का मतलब कि आपका किस तरीके से जो भी बिहेवियर में शो होता है। मान लो कि कोई भी आपने करेले की सब्जी देखी अपने लंच बॉक्स में और आप एकदम से उसको देख करके एकदम अच्छा सा मुंह नहीं, बेकार सा मुंह बनाने लगे, वही आपका बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। फीलिंग में आप केवल फील करते हो, बिहेवियरल
में आप क्या करते हो उसको बिहेव करके भी दिखा देते हो, उसके बाद में कोग्निटिव मतलब थिंकिंग में आप क्या करते हो कि उसको थिंक भी करते हो, जैसे कि कोई चीज़ का जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आपका दोस्त है तो वो अगर उसने आपके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया होगा, अगर आप उस कोई भी उसके आपके सामने उसका नाम भी ले लेगा तो आप सोचोगे अरे वो तो बेकार ही आदमी है, तो ये क्या होगा थिंकिंग मतलब नाम लेते ही उसका एकदम बेकार सी इमेज आ जाना। इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी है DSLR का किसी ने भी नाम लिया तो हमारे माइंड में आ जाता है कि अच्छा अरे DSLR मतलब बहुत अच्छी फोटो इमेज है ना, तो वही हमारा क्या होता है थिंकिंग बिहेवियरल और फीलिंग, ये हमारे 3 मॉडल्स होते हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना समझ लेना और अकॉर्डिंग टू उसके अपने हिसाब से लिख देना। यहाँ पर देखो क्या फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में बात किया जाए तो उसके कुछ एक फंक्शंस हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये चीज़ मैटर नहीं करती। अभी देखो यहाँ पर इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि इनके बीच में डिफरेंस नहीं पूछा जाता है, बट हमको पर्सनल इफेक्टिवनेस को समझने के लिए इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को समझना पड़ेगा। पर्सनल इफेक्टिवनेस अलग चीज़ होती है, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस अलग चीज़ होती है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है क्या होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज है उन सभी का अच्छे से बेस्ट यूटिलाइज करना, बट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं आप उनसे ज़्यादा ज़्यादा आप उनका यूज़ करो या ना करो, बट यह क्या है कि क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास में 10 लोग हैं, मुझे 10 लोगों से काम करवाना है, तो मैं सबसे क्या करवाऊंगा, उनको डांटूंगा अच्छे से चलो काम करो काम करो काम करो, और वो सब बेचारे अपना काम भी करते रहेंगे। बट इफेक्टिवनेस किसके ऊपर फोकस करता है, इफेक्टिवनेस इसके ऊपर फोकस करता है कि ठीक है तुम काम कर रहे हो करो अपना काम करो, बट उस काम में आपकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो इफेक्टिवनेस स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो कार होती है बहुत ही इफेक्टिव होती है ना, इफेक्टिव फॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन एबल टू मूव पीपल अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट पीपल इफिशियंटली। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि उसकी इफ़िशियंसी उस केस में बहुत कम होती है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसको एलिब्रेट करता हूँ कि जैसे मान लो जो कार हो गई, जैसे कार हो गई तो कार में आपका जो भी यूटिलाइजेशन जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है उसका ज़्यादा हो रहा है कि उसकी उसमें ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, तो उसमें क्वालिटी क्या है, क्वालिटी तो आपको अच्छी मिल रही है, आपको अच्छा सा लग्जरी फील आ रहा है, आप जा तो रहे हो, बट उस केस में आपकी जो भी इफ़िशियंसी है वो क्या हो गई कम हो गई, क्योंकि आपके जो भी रिसोर्स है आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है उसमें। वहीं पर अगर देखा जाए तो ट्रेन से अगर आप जा रहे हो, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, तो उसमें आपकी उसकी इफ़िशियंसी तो बहुत है ना, बट उसकी इफेक्टिवनेस कम है, उसके अंदर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, बट इफ़िशियंसी उसमें अच्छी खासी मिल जाएगी, उसमें आप कम पैसों में ट्रेवल कर सकते हो। तो यही होता है इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब भी आपको क्वालिटी दिखती है किसी भी तरीके के बिहेवियर में, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी की जब भी बात आती है वही होता है हमारा इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस से आप क्या समझते हो, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इससे रिलेटेड डिफिनेशन को नहीं लिखना है, पर्सनल इफेक्टिवनेस आ जाता है तो आपको ये चीज़ बताना है कि अगर आप अपने आप से बेस्ट लेना, यानी कि गेटिंग आउट ऑफ योर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, मतलब कि अपने आप से बेस्ट लेना, कि आप अपने आप को पर्सनल इफेक्टिवनेस से रिलेटेड मतलब ये होता है कि पर्सनल इफेक्टिवनेस कि आप किसी अपने काम में कितने अच्छे से क्वालिटी के साथ में काम कर पाते हो, यानी कि सारा दिन अगर आप सुबह से उठते हो और सो जाते हो ऐसे ही तो वो क्या हो गया आपकी वहाँ पर पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या हो गई कम हो गई। वहीं पर अगर एक व्यक्ति है वो सुबह से उठता है ऐसे ही सो जाता है बिना कुछ काम करे उसकी पर्सनल इफेक्टिवनेस 0 है। यहाँ पर अगर दूसरी में केस में आता है कि वो सुबह से उठता है कुछ काम करता है तो उसकी पर्सनल इफेक्टिवनेस कुछ है 1 है मान लो है ना। उसके बाद में कोई एक व्यक्ति है वो सुबह से उठता है और रात तक की एकदम सारे कामों को करता है, एक एक काम को अच्छे से करता है परफॉर्म करता है, तो उस केस में उसकी जो पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होगी 2 होगी, मतलब कि वो सारी पर्सनल इफेक्टिवनेस को अच्छे तरीके से अपने काम में क्वालिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख रहा है, वो अपने आप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में ताकत है जितनी उसके पास में एनर्जी है पूरी एनर्जी को लगा देता है अपने काम में, इसी को क्या बोलते हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इसी के कुछ एक फीचर्स लिखे हुए हैं, फिर उसके यहाँ पर पर्सनल इफेक्टिव जो भी अलग अलग चीज़ें लिखी हुई किस तरीके से उसको बढ़ाया जाता है, इसके इंपॉर्टेंस हो गए और अलग चीज़ें हो गई। अब देखो बात आती है हमारी ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि हम बैंक में भी जाते हैं, बैंक में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई सामान खरीदना होता है तो उन सारी चीज़ों का भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम उससे सामान खरीदते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन के अंदर आ गई। ट्रांजेक्शन हम बहुत करते हैं मतलब अपने डेली लाइफ में रूटीन में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, बट केवल सामान चीज़ पैसे रुपये से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होता, ट्रांजेक्शन हमारे रिलेटेड होता है हमारे बिहेवियर से भी, एक आदमी किस तरीके से हमसे बात कर रहा है और हम किस तरीके से उससे बात बर्ताव कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या होता है ट्रांजेक्शन एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी इसकी चीज़ें बहुत थ्योरी है कि ये किसने दी हुई थी थ्योरी, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, मैंने इसके ऊपर अलग से सेपरेट
सेपरेट वीडियो, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, बट ये रिविजन क्लास चल रही तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के, दैट इज़ ईगो स्टेट, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लाइफ पोजिशन। तीन हमारे स्टेट होते हैं, तीन में से आप सबसे पहले देखो ईगो स्टेट क्या होती है। ईगो स्टेट हमारी जो भी होती है वो कहाँ स्टैंड करती है, जो हमारी ईगो स्टेट होती है वो उसके अंदर हमारी तीन ईगो आती है, हमारी पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो में जो हमारी बात आती है, तो पेरेंट ईगो में जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हमारे थोड़े से कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है पेरेंट ईगो की बात आती है। जब मान लो कोई कंपनी में कोई मैनेजर है, वो अगर पेरेंट ईगो में बात करता है, वो हमारे लिए अच्छा सोचा है, हमारा प्रोटेक्शन चाहता है, वो थोड़ा सा कठोर भी है बट वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो वो पेरेंट ईगो में चला जाता है। वहीं पर अगर मैनेजर है, वो अगर एडल्ट ईगो को फॉलो करता है, अगर वो लॉजिकली सोचता है, बहुत ही असर्टिव होता है ना, केवल उसको काम से मतलब होता है और ज़्यादा बातें भी नहीं करता, तो वो एडल्ट ईगो में जाता है, वो बहुत मतलब एडल्ट में रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ अलग ही समझता है। तो आप अगर चाइल्ड ईगो की बात किया जाए, तो अगर वो जो मैनेजर होता है वो लोगों के साथ में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में क्या होता जाता है, थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो जाता है, ठीक है, वो इलॉजिकली भी सोचता है, इमेच्योरिटी भी, अगर वो कभी कदार ऐसी भी बातें कर देता है जो कि हंसी मजाक हो, है ना, कभी कदार इमेच्योरिटी वाली बातें कर देता है, तो वो क्या होती है, उसकी चाइल्ड ईगो होती है। तो तीन तरीके की ईगो होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में, तो ट्रांजेक्शन के जो भी टाइप्स होते हैं उसके अंदर क्या, कौन सा सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन का फर्स्ट टाइप होता है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन या फिर पैरेलल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर हमारे 9 टाइप मतलब अलग से बनते हैं, इसको डिटेल्ड वीडियो देखोगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा, बट यहाँ पर देख लो अभी केवल आपको टाइप्स और सारी चीज़ें ध्यान रखने की। सुपरवाइजर जैसे एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो इसके अंदर पेरेंट्स, अगर उसने कोई भी सवाल पूछा पेरेंट ईगो में, और बेटा क्या हाल चाल है, तो आप उसको उसी ईगो में बताओगे हाँ सर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसे मान लो कि एक मैनेजर उसने किसी एम्प्लॉय से बोला कि आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क टुडे, आपने आज अच्छा सा काम किया, तो ये चीज़ अगर मैनेजर ने अगर ये चीज़ बोली तो उसका आप क्या सोचोगे कि अगर वही यही बोलेगा कि थैंक यू ही बोलेगा। अगर मान लो कि किसी ने मेरा प्रशंसा करी तो मैं उसको क्या बोलूँगा, थैंक यू। ये चीज़ पहले से प्रेडिक्टेड है, अगर कोई प्रेडिक्शन के ऊपर बात करता है, अगर पेरेंट ईगो में बात हो रही तो वो चाइल्ड से पेरेंट ईगो में बात करेगा, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इस तरीके से बात करेगा, तो यही हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पहले से प्रेडिक्टेड है। बट अगर जब कभी आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होता कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आप थोड़ा सा मैं जूम करके इसको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा और भी जूम करता हूँ, आई होप कि दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मजे भी ले रहे होंगे पढ़ने के साथ साथ में। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि व्हाट्स फॉर डिनर, जैसे एक आदमी है, किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पूछा कि आज डिनर में क्या है, उसने तो अच्छे तरीके से बात करी कि आज डिनर में क्या है, बट उसकी वाइफ ने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया कि उसने ये नहीं बताया डायरेक्ट डायरेक्ट कि आज डिनर में क्या, उसने कहा क्या कहा, स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान मत करो। तो सामने से उसने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा, बट उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री में ट्रांजेक्शन में क्या होता था कि हमको जो भी रिस्पॉन्स हमारे लिए रिलेटेड था, है ना, जो भी यहाँ पर क्या था कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि जो भी हमारे पास में प्रेडिक्टेड था कि हमको पता था कि किस तरीके के रिस्पॉन्स आने वाला है, वही रिस्पॉन्स आता है। बट यहाँ पर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि रिस्पॉन्स पता नहीं कब क्या आदमी क्या कुछ बोल दे, इसी को क्या बोलते हैं नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जाम्पल लो कि लेट्स हैव सम फन, एक आदमी है उसने अपनी पत्नी से क्या बोला कि चलो आओ थोड़े से मजे करते हैं, तो उसकी पत्नी ने उसको ये नहीं बताया कि चलो ठीक है हाँ जाओ खेलते हैं, मेरा मन है कि नहीं, उसने क्या कहा कि कैन नॉट यू एवर बी सीरियस, मतलब कि अभी भी तुम्हारे अंदर सीरियसनेस नहीं आया है, तुमको अभी भी खेलने की लगी है। तो ये आदमी का क्या शो करता है कि उसने सोचा नहीं था किस तरीके की वो बात बोलेगी, लेकिन उसने बोल दिया। वहीं पर देखो उस एक मैनेजर, उसने क्या बोला कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, एक मैनेजर है उसने अपने एम्प्लॉय से क्या पूछा कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, बट यहाँ पर जो भी एक एम्प्लॉय है उसने क्या कहा चाइल्ड ईगो में बात करी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, बच्चों की तरीके उसने ये बोल दिया। बट जबकि जो मैनेजर था उसको क्या लग रहा था कि वो तो यही बोलेगा कि हाँ मैं तो अच्छा हूँ, ठीक है, आई एम फीलिंग वेल, गुड मॉर्निंग सर, है ना, उसको ये चीज़ पता नहीं थी कि क्या आदमी बोल दे, ये चीज़ नहीं पता रहती है, ठीक है। अब आगे देखो डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर होता है हमारे तीन तरीके के जो भी बनते हैं, मतलब डबल मीनिंग बनती है, तीन तरीके का मतलब ये पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड, मतलब डबल मीनिंग बनती है इस तरीके की डुप्लेक्स ट्रांजेक्शन के अंदर। डबल मीनिंग का मतलब कि दो आपकी मीनिंग होती है, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि
आपने किसी से कहा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो दूसरा आपसे क्या बोलेगा कि अरे तुम्हारे खरीदने की बस की बात नहीं, यानी कि उसका कहने का क्या मतलब, डबल मीनिंग लिख दी, एक तो तुम्हारी औकात ही नहीं खरीदने की, तुम उसको देखो ही मत, उसकी क्या दो डबल मीनिंग लिख ली, तुम उसको ना देखो ही मत और साथ में तुम उसको खरीदने के लायक नहीं हो, है ना। तो ये हो गई डुप्लेक्स, मतलब कि डबल मीनिंग में जब कोई भी आपसे बात करता है, आप तो सीरियस होकर के बात करते हो, वहीं पर अगर आपसे दूसरे जो भी व्यक्ति होता है वो डबल मीनिंग वाली बात कर देता है, तो उसी को क्या बोलते हो, डुप्लेक्स ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखो जुहारी विंडो मॉडल, ये कभी भी आ सकता है। तो जुहारी विंडो में क्या होता है कि कोई कोई चीज़ें आपको होती है चार, यहाँ पर जो विंडो का मतलब होता है चार चीज़ें, तो यहाँ पर चार इस तरीके से विंडो ऐसी बनी हुई है। और यहाँ पर देखो पहली बात यहाँ पर क्या लिखा है कि ओपन सेल्फ, मतलब कि अपने आप को जानना पहचानना, कि ओपन कोई कई कई चीज़ें होती जो हमको भी पता होती है, दूसरों को भी पता होती है, जैसे हमारा नाम हो गया, हमारा सिटी हो गया, जहाँ पर भी हम रहते हैं सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, केवल मतलब हमको पता होती है बट दूसरों को नहीं पता होती। यहाँ पर क्या है, हमको भी पता है दूसरों को भी पता है ओपन सेल्फ में, बट हिडन सेल्फ में क्या है कि हमको तो पता है बट दूसरों को नहीं पता है। जैसे कि हमारे कोई बहुत बहुत अच्छे से जैसे कोई कोई गाना गा लेता है, वो उसको ही पता रहता है लेकिन वो दूसरों को शो ऑफ नहीं करता, तो दूसरों को क्या पता चलेगा, तो वो हो गया हिडन सेल्फ, मतलब कि दूसरों को नहीं पता है बट खुद को पता है। वहीं पर देखो ब्लाइंड सेल्फ, मतलब ब्लाइंड सेल्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको जिसके बारे में केवल दूसरे लोगों के दूसरे लोग को पता होती है, मान लो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो आपके बारे में ये चीज़ जानता है कि आप ये काम कर सकते हो, बट उस चीज़ को आप नहीं जानते कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपका होता है ब्लाइंड सेल्फ, कि मतलब आपको नहीं पता होता है कि अपने बारे में नहीं पता बट दूसरे को आपके बारे में पता होता है। फिर वहीं देखो अननोन सेल्फ, अननोन सेल्फ में आपका क्या आता है कि ना ही आपको अपने बारे में पता होता है ना ही दूसरे को आपके बारे में पता होता है। ये चार पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ एंड अननोन सेल्फ, ठीक है। तो चार पॉइंट्स आपको लिखना है, एक्सप्लेन कर देना है इसी तरीके से जो भी मैंने बताया, वीडियो को बार बार अच्छे से पॉज करके एक एक चीज़ों को लिख लो या फिर देख लो, अपने हिसाब से करना, ठीक है। तो जुहारी विंडो मॉडल के अंदर ये चार पॉइंट्स आपके आते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, तो अब चलो यहाँ पर फिलहाल हमारा यहाँ पर मोटिवेशन आ चुका है। मोटिवेशन के अंदर अगर बात किया जाए तो दोस्तों क्या है कि हमारा फोर्थ यूनिट अभी आ चुका है, तीन यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा सा और वीडियो देख लो, मुझे पता है सभी लोग थक गए होंगे, वीडियो भी लंबा हो चुका है, जबकि देखो कितनी ज़्यादा तेज़ी से मैं भगा रहा हूँ बट फिर भी देखो वीडियो कितना ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, इतनी जल्दी कवर करना है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा और टाइम दे दो, इतना टाइम दिया है। तो मोटिवेशन के ऊपर बात करें तो मोटिवेशन एक्चुअल में क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी डम्बी चौड़ी डिफिनेशन लिख देना, बट आपको ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा ही लिखने चाहिए। जो आपका मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी आदमी को पुश करना कोई भी काम करवाने के लिए, जैसे सेट ऑफ प्रोसेस टू मूव अ पर्सन टूवार्ड्स अ गोल, मतलब कि एक तरीके का प्रोसेस है कि जिससे कि जो भी एक पर्सन होता है वो अपने गोल को अचीव करने लगे, कोई काम करने लगे, है ना, ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेट करना आदमी को क्या होता है कि ड्राइव फ्रॉम द टर्म मोटिव वर्ड से इसको लिया गया है, विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि इसकी नीड वांट्स के हिसाब से जो भी एक पर्सन है वो अपने आप को काम में लगा दे, यही क्या होता है मोटिवेट है। और जैसे कि किसी आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका क्या है, मोटिवेशन है। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं होता तो वो क्या होता है, आप डीमोटिवेट होते हैं, आप वीडियो को भी नहीं देखते, आप पढ़ते भी नहीं, तो ये क्या है कि वो आपका डीमोटिवेशन है। फिर यहाँ पर देखो कि मोटिवेशन जो भी है रिफर्स करता है प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल, किसी भी लोगों को इंस्पायर करना कि वो अपना काम को अच्छे तरीके से करें या फिर ना करें, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन बोलते हैं, कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से करने लगें, इसी को क्या बोलते हैं मोटिवेशन बोलते हैं। कभी कभार हम लोगों को डीमोटिवेट भी कर देते हैं कि तुम मत करो ये काम को, है ना, इसके कुछ एक एलिमेंट्स है, जैसे आपको डायरेक्शन होता है, इंटेंसिटी होती है, उसके बाद में परसिस्टेंस होता है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन की बात कर जाए तो यहाँ पर देखो क्या है कि प्रोसेस क्या है कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन बिहेवियरल और गोल, यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो कि अगर आपको किसी भी को भी मोटिवेट करना हो तो मोटिवेट करते हो, मोटिवेशन करते हो तो उसके बिहेवियर में आता है, वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम के आपका मोटिवेशन है, आप बिहेवियर क्या है कि आप उसको काम को कर रहे हो और उसका गोल जो भी रिजल्ट होगा वो आपका निकल करके आएगा, इससे क्या होगा इन सारी चीज़ों से आपका टेंशन का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यही होता है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात की जाए तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव टाइप का मोटिवेशन होता है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो हाँ आप उसकी तरफ आगे से करने लगते
सकते हो। वहीं पर कुछ लोग होते ऐसा होते हैं, अगर आपको सजा बताने लगे, अगर आपने नहीं ऐसा किया तो आपके साथ में क्या होगा, तो स्टेट ऑफ फियर बन जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा मेरे साथ में। तो उस केस में आप कोई भी चीज़ काम को करते हो, वही आपका होता है निगेटिव मोटिवेशन। वहीं पर देखो, अगर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन की बात करें, तो प्राइमरी मोटिवेशन जैसे आपकी जो भी ज़रूरतों की सामान की चीज़ें, जैसे मान लो कि आपके जो भी रोटी कपड़ा मकान है, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना रहता है, कुछ ना कुछ काम करना ही रहता है। तो वो आपको मोटिवेट करने, वो आपका मतलब वो अलग सा मोटिवेशन हो गया कि आपको ज़रूरत का काम, भाई ज़िंदा रहना तो खाना ही पड़ेगा। वहीं सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होता है, सेकेंडरी मोटिवेशन में आपका आ गया मान लो, चलो ठीक है, आपको रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें मिल गई, अब आपको क्या चाहिए कि स्टेटस चाहिए, लोगों के बीच में अपनी जान पहचान चाहिए, ठीक है, लोग आपको जाने पहचाने। ये क्या होता है, आपकी आपके पास में और ज़्यादा पैसे हैं, आप और अच्छे से लग्जरी लाइफ को जियो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेकेंडरी मोटिवेशन के अंदर। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी मोटिवेशन, ये होती है हमारी प्राइमरी मोटिवेशन। उसके बाद में देखो इसकी थ्योरीज के ऊपर बात करें, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके अंदर, देखा जाए तो अलग अलग सी थ्योरीज हैं, और आपको दोस्तों यकीन मानो सारी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा और अच्छे से देख लो, आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। देखो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर आपकी दो थ्योरीज आती हैं, दो थ्योरीज में आपका एक होता है आपका जो भी जो मतलब पहले की थ्योरीज थी, अर्ली यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पहले की जो भी थ्योरीज थी उसके अंदर आपकी मास्लोव की थ्योरी आती है, उसके बाद में अलग अलग यहाँ पर राइटर्स लिखे हैं, उनकी सबकी थ्योरी को अभी डिस्कस करेंगे, और जो नई थ्योरीज आई वो अलग सी थ्योरी हैं। तो देखो मास्लोव की थ्योरी क्या बोलती है, मास्लोव की थ्योरी ये हमको बताती है कि एक आदमी होता है उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे उसकी सांस लेना क्या है बेसिक नीड है, उसको खाना चाहिए, उसको वाटर चाहिए, इसके अलावा उसको मान लो सेक्स भी करना है ना, तो ये अगर सारी चीज़ें उसको क्या हो रही फुलफ़िल हो रही, स्लीप है, सोने को मिल रहा उसको, ये सारी चीज़ें अगर उसकी फुलफ़िल हो रही हैं तो वो क्या है, एक सेटिस्फाई है, ठीक है, वो सारी क्या है इसकी बेसिक नीड्स हैं वो मिल रही, उसको ख़त्म हो बात। उसके बाद में सेफ्टी की नीड्स आती है, अगर अब ये सारी चीज़ें आपको जब मिल रही होती हैं तब आपको क्या होती है कि आपको सेफ्टी की जो भी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी कहीं बॉडी जो भी है अच्छे से काम करे, वो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जिम जाना स्टार्ट करते हो, योगा करते हो, ठीक है, या फिर अपनी जो भी कंपनी होती है इंश्योर करवाते हो अपने आपको, हेल्थ केयर की जो भी पॉलिसीज को लेते हो, ये आपकी क्या होगी सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके बाद में ये सारी चीज़ें भी जब सिक्योर हो जाती हैं तब फिर आप दोस्तों को बनाते हो, है ना, फ्रेंड्स के साथ में घुलते मिलते हो जा करके, उसके बाद में दोस्तों के साथ में शादी वगैरह की बात सोचते हो कि चलो हाँ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब भाई कमाने भी लगे हैं, थोड़ा सिक्योर हो गए, अब चलो फ्रेंड मतलब अब फैमिली के आगे बात करते हैं। अब ये सारी जब भी चीज़ें आ जाती हैं फिर उसके बाद में फिर आप क्या करते हो, कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब ये अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हो, और अपनी जो भी दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, और अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट क्या होती है दूसरों से बढ़वाते हो, ठीक है, आपकी भी लोग रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर स्टीम के बारे में बात आती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात आती है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी स्टेट होती है जब लोग आपको भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एक मान लो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फॉलो करना हम लोग चाहते हैं, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, तो हम इनकी बुक्स को क्यों पढ़ते हैं कि ताकि हम भी इनके तरीके बन सकें। बट इस टीम में क्या होता है कि कुछ लोगों के तरीके, कुछ लोगों को हम जानते तो कि अच्छा देखो वो क्रिकेटर है, बट हम उसकी तरीके बनना नहीं चाहते। कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों के लिए क्रिकेटर जो होगा उसके तरीके लोग बनना भी चाहते होंगे, बट सबके लिए रोल मॉडल अलग होता है। और ये इस टीम का मतलब कि एक व्यक्ति को जब जान मान प्रतिष्ठा और जान पहचान मिल जाती है उसको यही इस टीम बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है उसको लोग फॉलो अप करना स्टार्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये होती है मास्लोव की हायरार्की की थ्योरी है। फिर आप देखो हर्टबर्ग की मोटिवेशन की थ्योरी क्या बोलती है, जिसको हाइजीन की थ्योरी भी बोलते हैं, इसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो टू फैक्टर थ्योरी आपकी क्या बोलती है, टू फैक्टर आपकी थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपको किसी भी कंपनी में काम करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं, जैसे अगर आपको अचीवमेंट मिल रहा है, किसी भी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप काम कंपनी में अच्छे तरीके से करोगे। वहीं पर अगर आपको जो भी है वहाँ पर से रिलेटेड, अगर मान लो जो कंपनी वो अगर सही तरीके से नहीं काम कर रही, या फिर वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, हाइजीन की कमी है, गंदा एटमॉस्फेयर रहता है, तो वहाँ पर देखो हाइजीन के से रिलेटेड फैक्टर्स होते तो वहाँ पर होता है। तो ये होती है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। इसमें आप ये सारी चीज़ों को पॉइंट्स को लिख करके आ सकते हो, और आई होप कि अच्छे तरीके से लिखोगे जा करके डीम की क्या होती है टू फैक्टर थ्योरी में आपके ये जो भी यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई बहुत ही सिंपल है। इसको आप लिख सकते हो कि दो आपके फैक्टर्स होते हैं, आपका एक सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि मोटिवेशन के फैक्टर्स। मोटिवेशन के फैक्टर्स अलग अलग तरीके के, अगर आपको वर्क में रिवॉर्ड दे दिया गया है ना, आप अपने आप को आपको लोग जानने लगे, या फिर आपके लिए क्या हो गया आपकी प्रशंसा बढ़ाई गई है ना, आपको रिवॉर्ड दिया गया, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, आपका प्रमोशन कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें होती जिससे
आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और आप आगे करने काम करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हो। वहीं पर अगर देखो गंदगी होगी, साफ सफाई से रिलेटेड कमी होगी और भी चीज़ें होंगी, मान लो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, डीमोटिवेट करती हैं वहाँ पर उस कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैकलेंस की थ्योरी क्या बोलती है। मैकलेंस की थ्योरी ये बोलती है कि तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें मतलब कि अचीवमेंट, एफ्लेक्शन और पावर। देखो तीन चीज़ें होती हैं, मैकलेंस थ्योरी हमको ये चीज़ बताती है कि आइडेंटिफाइड थ्री मोटिवेटर्स, मतलब कि तीन तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं और सबके अंदर क्या होता है, एक डोमेन फैक्टर होता है। देखो अचीवमेंट क्या बोलता है, यहाँ पर देख लो अचीवमेंट क्या बोलता है कि आपको जीत, मतलब कि जो भी कोई लोग होते हैं, किसी लोगों को क्या चाहिए होती है, जीत चाहिए होती है, मतलब उनको क्या चाहिए, बहुत सारे रिवॉर्ड चाहिए, अलग अलग तरीके से उनका कमरा सजा हो, बहुत सक्सेस चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसके क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं कि उसको तो भैया फर्स्ट आना ही है। वहीं पर एक आदमी होता है, उसको पावर चाहिए होती है, वो पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो, उसको एक पावर चाहिए होती है समाज के अंदर, उसको एक पावर चाहिए होती है, वो पॉलिटिक्स बन जाता है, फिर कुछ भी बनता है, तो उसको ये सारे फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं उसको बनने के लिए। वहीं पर दूसरा एक आदमी होता है, तीसरा एक आदमी होता है जो कि इस चीज़ पर फोकस करता है कि उसको क्या है कि उसकी जो भी रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना उसको अच्छा लगता है, कि रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन होना चाहिए लोगों के साथ में, नीड फॉर अफ्लेक्शन मतलब कि लोगों के साथ में बातचीत करना और लोगों के साथ में अच्छा सा फील करना, लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने थोड़ा सा, बस इसके लिए यही होता है। तो यही फैक्टर होता है मोटिवेशन के लिए, अगर लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, लोग उससे अच्छे से बात करते हैं, उसको उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए यही मोटिवेशन फैक्टर होता है। वहीं दूसरा आदमी होता है, उसके लिए क्या मोटिवेशन फैक्टर होता है, पावर, कि लोगों के बीच में उसके पास में पावर होनी चाहिए कि हाँ अगर उसने ऐसा बोल दिया तो ये काम होना है। तो एक आदमी को मोटिवेट क्या करेगा, उसकी पावर मोटिवेट करेगी, तो इसके लिए वो काम कहाँ करेगा, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काम करेगा। वहीं दूसरा तीसरा आदमी होगा, वो क्या करेगा, अपनी जीत को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स चाहिए, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए कि अचीवमेंट को दिखाने के लिए कि मैंने ये चीज़ को इकट्ठा किया, मेरे पास में ये डिग्री है, ये मैंने अचीव किया, यहाँ पर यहाँ का गोल्ड मेडल है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अचीवमेंट की। ठीक है, तो ये मैकलेंस की थ्योरी हमको बताती है। उसके बाद में गोल सेटिंग थ्योरी या फिर सेल्फ डिटर्मिनेंस थ्योरी हमको ये चीज़ बताती है कि तीन फैक्टर्स होते हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, आपको ये सारी जो भी थ्योरीज हैं वो आपको तीन जैसे नेम्स में ध्यान रखनी है, इतनी सारी थ्योरीज है, आप सोचोगे कैसे इसको याद किया जाए, तो आपको वो सारी नेम के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन क्या होता है, तो मोटिवेशन बताओ, मोटिवेशन के टाइप्स बताओ, है ना, उसका प्रोसेस बता दो, उस सारी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद में ये भी चार्ट को बनाओ कि कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, और जिस भी थ्योरी के बारे में पूछा गया, मैकलेंस की थ्योरी के बारे में पूछा गया, तो उससे रिलेटेड ये कुछ एक यहाँ पर पॉइंट दे दो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, लव, बिलोंगिंग, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल, तरीके के नाम दे दो। यहीं पर टू फैक्टर थ्योरी में बात की जाए तो उसके दो फैक्टर्स बता दो कि हाइजीन फैक्टर और नॉन हाइजीन फैक्टर, ये दो फैक्टर बता दो। इसके मैकलेंस की थ्योरी की बात की जाए तो तीन यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर दो, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलेक्शन, और इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता दो, बस यही करना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मतलब सबको अलग अलग जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑटोनॉमी की थ्योरी, ऑटोनॉमी की थ्योरी क्या बोलती है, यहाँ सॉरी गोल सेटिंग थ्योरी या फिर सेल्फ डिटर्मिनेंस की थ्योरी क्या बोलती है, इसके अंदर तीन वर्ड्स आते हैं मोटिवेशन के लिए, एक आपका आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के अंदर क्या है कि एक आदमी को तीन चीज़ें मोटिवेट करती हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के अंदर आता है कि वो आदमी ये चाहता है कि उसको फ्रीडम होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब कि उसके पास में क्या हो, थोड़ी सी फ्रीडम हो, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। वहीं फिर कॉम्पिटेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि उसको ये चीज़, इस चीज़ के अलावा उसको थोड़ी सी फ्रीडम भी चाहिए होती है, और इसके अलावा उसको ये भी चीज़ चाहिए होती है कि वो उसका अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी करना चाहता है। वो ये चाहता है कि अगर लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों के ऊपर उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर बात किया जाए तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो ये चीज़ें फैक्टर्स मैटर करते हैं। वहीं पर अगर रिलेटेडनेस की बात होती है तो रिलेटेडनेस में क्या होता है, वो आदमी ये चाहता है कि उसको वो
उसको उसकी भी उतनी ही प्रशंसा या फिर उसको भी एक तरीके से उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए कंपनी में जिस तरीके से दूसरे लोगों को दिया जाता है। तो किस तरीके से वो भी इस तरीके का पार्ट है, कंपनी का ही पार्ट है। तो वो ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो एक आदमी को मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करती है कि उसका मोटिवेशन बढ़ाती है। ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, ठीक है। ऑटोनॉमी के अंदर क्या आती है, ऑटोनॉमी के अंदर आती है कि वो आदमी जो भी होता है वो बिहेवियरल, यानी कि वो ये चाहता है कि फ्रीडम चाहता है। और कॉम्पिटेंस के अंदर आता है कि वो आदमी ये चाहता है कि वो जो भी है वो अपने आप को भी अपने आप की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है। वो ये चाहता है कि दूसरे लोगों का अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है तो मेरा भी हो। वहीं पर रिलेटेडनेस की बात आती है तो वो आदमी ये भी चाहता है कि ये सारी चीज़ें के अलावा अगर यो आदमी ये भी चाहता है कि मुझे कंपनी के अंदर भी सब लोग जाने, मुझे मेरा भी थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सेल्फ डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी आपको कंप्लीट हो गई, पता चल गए होंगे कि तीन फैक्टर्स होते हैं और तीनों फैक्टर्स का मतलब पता चल चुका है। अभी देखो आगे क्या है, सेल्फ एफिकेसी की थ्योरी आती है, बस अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये दोनों थ्योरी, तीन मैकलेंस की थ्योरी और यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी और मार्लोव की थ्योरी को ध्यान रखना है। तो इन तीनों में से ही इस बार चांसेस है कि कुछ भी फंस सकता है। इसके अलावा ज़ेन फोर्स की और भी एक थ्योरी देख लो। तो ये जो ज़ेन फोर्स की थ्योरी होती है वो ये चीज़ हमको बताती है कि चार फैक्टर्स होते हैं। चार फैक्टर्स का मतलब एक जो मैनेजर होता है वो चार तरीके से आदमी को डील कर सकता है, है ना। कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको चार तरीके से डील कर सकता है। एक मैनेजर जो होता है, जैसे इसके अंदर पॉजिटिव रेनफोर्स में जो भी आता है वो मैनेजर वो चाहता है, मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेट करता है। जैसे कि वो बोलता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तो वो आदमी क्या करेगा, वो एम्प्लॉय जो भी है वो और भी काम करने के लिए प्रेरित होगा। वहीं फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो ये चाहता है कि वो ये चीज़ बताता है कि नहीं तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो, तो वो हो गया नेगेटिव। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय अगर गलत काम कर रहा है तो वो बोल देता है कि नहीं तुम ये काम नहीं से करो, इसकी जगह पर ये कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे उसने कोई इसको सजा नहीं दी, ना ही उसको कोई कुछ बताया, उसने क्या किया केवल उसको बता दिया कि तुम ये काम गलत कर दो। फिर यहाँ पर देखो फिर पनिशमेंट आता है, पनिशमेंट रेनफोर्स के अंदर क्या आता है कि वो उसको ये भी बताता है कि तुम ये गलत काम कर दो, उसके अलावा तुमको ये पनिशमेंट भी देना पड़ उसको देना रहता है कि लो अगर तुमने गलत काम किया, अगर तुम लेट आते हो रोज तो तुमको पनिशमेंट भी मिलेगी, तुम्हारी एक दिन की सैलरी काट ली जाएगी। तो इसके अलावा यहां पर पनिशमेंट उसको मिल गया। फिर यहां पर एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन रेनफोर्स में क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है वो उसको इग्नोर ही कर देता है, वो उसको वो ये चलता है वो बोलता है कि तुम अपना ही काम करो। तो ये भी कभी कभार क्या होता है कि वो मैनेजर जो भी होता है वो सबके ऊपर ध्यान देता है, वो एक किसी खास व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो इससे भी आदमी क्या होता है कई बार मोटिवेट हो जाता है और वो काम को अच्छे से तरीके से करने की कोशिश करता है, वो भी ये चाहता है कि मैनेजर का अटेंशन को ग्रैब करने लगे। तो कई बार कुछ चीज़ों को इग्नोर करके भी किसी आदमी को मोटिवेट किया जा सकता है। तो चार तरीके के यहाँ पर थ्योरी रेनफोर्स के अंदर आपको दी गई है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा, इनके पॉइंट्स को ध्यान रख लो और जो मैंने बताया उस सारी चीज़ों को अच्छे से लिख देना, और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया हमारा व्योम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती है, इस चीज़ को देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पर जो व्योम की एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है वो हमको ये बताती है कि अगर ज़्यादा कोई भी आदमी काम करेगा, है ना, तो अगर कोई जैसे मान लो कि 1000 पार्ट्स को बनाना है, 1000 प्रोडक्ट्स को बनाना है सारा दिन के अंदर, अगर कोई एम्प्लॉय है अगर वो 1000 की जगह 1100 को बना रहा है, उसने 100 प्रोडक्ट्स को और भी बना दिया, तो वो क्या करेगा, तो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा रिवॉर्ड, उसका जो भी इंक्रीज द रिवॉर्ड, उसका रिवॉर्ड को क्या करना रहेगा, उसके रिवॉर्ड को इंक्रीज करो क्योंकि उसने क्या किया है, ज्यादा काम किया है। और अगर वहीं पर कोई भी दूसरा जो भी एम्प्लॉय है उसने अगर कम सेल्स करी या फिर कम प्रोडक्ट को बनाया, उसने क्या किया मान लो कि 1000 की जगह 800 बनाया, 700 बनाया, 900 ही बनाया, तो उसके रिवॉर्ड को क्या करो, उसके रिवॉर्ड को कम कर दो, उसके रिवॉर्ड को काट दो। तो इससे क्या होता है कि आदमी मोटिवेटेड होता है, ये जो जिसने ज्यादा सेल करी या जिसने ज्यादा प्रोडक्शन किया उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो और भी काम करने के लिए मोटिवेटेड होगा। वहीं पर जिसने कम किया तो वो इसको देख करके मोटिवेटेड होगा कि वो सोचेगा कि अच्छा ये तो ज़्यादा कर रहा है तो इससे अलावा क्या होगा, मतलब वो
वो डीमोटिवेट फील करेगा, और डीमोटिवेट फील करेगा तो वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, वो भी अपना प्रोडक्शन 1000 को करने की कोशिश करेगा। तो व्योम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमको ये चीज़ बताती है। फिर एडमंड्स की थ्योरी इसकी जस्ट विपरीत होती है, इसकी इक्विटी की थ्योरी हमको ये बताती है, इक्विटी थ्योरी हमको ये चीज़ बताती है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो भी हैं वो इक्वल होते हैं, किसी के साथ में तुम भेदभाव ना करो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अगर किसी एम्प्लॉय ने ज़्यादा बनाया तो उसके साथ में क्या, उसकी सुविधा उसको रिवॉर्ड को इंक्रीज़ किया जा रहा, अगर किसी ने कम बनाया तो उसके साथ में वहाँ पर उसके रिवॉर्ड को क्या हो रहा, डिक्रीज़ किया जा रहा। तो जो इक्विटी थ्योरी हमको ये बताती है कि सारे एम्प्लॉय जो भी हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तुमको किसी के साथ में फेवरेटिज़म नहीं करना है, किसी के साथ में ये नहीं कि तुम किसी के साथ में फेवरेटिज़म करो, किसी का फेवर ले रहे हो। और इससे क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी लोग क्या फील करेंगे, सभी लोग मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि सबके साथ में किसी के साथ पक्षपात होगा नहीं, तो सभी लोग क्या होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा यहाँ पर से नेक्स्ट जो टर्म आता है, डेट इज परसेप्शन। परसेप्शन से आप क्या समझते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि परसेप्शन से आप क्या समझते हो। परसेप्शन से मतलब होता है कि टू द एबिलिटी टू सी हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग सो द सेंसेस, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे आप क्या करते हो, परसेप्शन मतलब कि अंदाजा लगाते हो, सोचते हो कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। परसेप्शन क्या हो सकता है, एक तरीके से आपके क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है दैट कैन नॉट बी सेम फॉर द टू डिफरेंट पर्सन, कि एक आदमी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरा सोचेगा, कुछ सोचेगा दूसरा, कुछ दूसरा सोचेगा, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, है ना। और देन द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, जिस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर से आप एक पिक्चर से इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर एक दादाजी खड़े हैं, आप बोल रहे हैं कि ये 9 है, वहीं पर एक लड़की एक वो क्या बोल रही 6 है। अब दोनों अपने अपने तरफ से देख रहे हैं, तो अपने अपने तरफ से देखने का उनका नजरिया अलग रहेगा, इस वजह से क्या कर रहे हैं, दोनों लोग अपने अपने तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, दोनों ही लोग सही। अब वो क्या एक्चुअल में नंबर वो किस तरीके से पड़ा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन क्या करें, यहां पर दोनों अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो जो उन्होंने देखा, जो हिसाब से जो जिसने फील किया, एम्प्लॉयज के साथ में भी यही होता है कि जिस एम्प्लॉय ने जैसा भी फील किया, जो भी उसका पास्ट का एक्सपीरियंस था, जो भी वो देख रहा है समझ रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, वो एक्ट करता है, बिहेव करता है, वो काम को करता है या फिर नहीं करता। तो सेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके हाथ हैं, जो भी आपने चीज़ों को छुआ, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने चीज़ों को देखा कि यहाँ पर से तो सही तरीके से काम नहीं होता इस कंपनी में, तो आप क्या हो गए, कंपनी को छोड़ करके भाग गए। तो ये क्या हुआ, आपने जिस भी चीज़ों को सेंस किया, चाहे वो आपने देख करके सेंस किया हो, चाहे वो आपने सुन करके सेंस किया हो, है ना, किसी भी तरीके से जो भी आपने परसेप्शन किया, तो वही आपका क्या होगा कि इसी से ये सारी जो भी इफेक्ट करता है कि किस तरीके से जो भी आपका बिहेवियर जो भी होता है परसेप्शंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो भी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, है ना, ये सारी चीज़ों के हिसाब से ही आपके आसपास के लोग किस तरीके से बोलते हैं, वैसा ही आप क्या करने लगते हो, बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, परसेप्शन बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, से जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है कि अलग अलग सभी लोगों के ट्रेट्स अलग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अलग सोच सकते हैं, किसी का खास सिचुएशन में कुछ लोग अलग सोचेंगे। यहाँ पर हेल्प इन फोरकास्टिंग द बिहेवियर, जिससे क्या हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर के फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये आदमी सही नहीं है, तो हम उसके फोरकास्ट कर देंगे कि अरे ये तो आदमी सही नहीं, ये इससे काम करवाना नहीं सही। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं, है ना। और ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ परसेप्शन के क्या होते हैं। तो हमारे टोटल यहाँ पर 5 प्रोसेस होते हैं। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, देखते हैं जैसा भी होता है, हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फिर हम बहुत सारी स्टिमुली के साथ में मिलते हैं, कि जो भी हमारी उत्तेजनाएं होती है जिसके साथ में हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्टिमुली के अंदर जैसे एग्जांपल दिया जाए, तो इसके अंदर क्या, जैसे कि हम बहुत सारी दिन भर में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है जैसे दुखी है, तो अब वो जा रहा होगा तो उसका उसके ऊपर कोई भी मौसम का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर फूल पत्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी सुंदर से ब्यूटीफुल सीन भी दिखेंगे, तब पर भी वो आदमी दुख में ही डूबा रहेगा, क्योंकि उसको उसके अपने दुख के आगे उसको और भी कोई चीज़ दिखेगी नहीं, है ना। तो फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर क्या आता है कि आदमी क्या करने लगता है कि जो भी कोई चीज़ों को इग्नोर करता है, है ना। जैसे यहाँ पर स्टिमुली में क्या होता है कि हम यहाँ पर से कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम वही चीज़ देखते हैं, हम वही चीज़ों को सेंस करते हैं जो हम देखना चाहते हैं, या फिर जिन चीज़ों को हम समझना चाहते हैं, फिर उसी चीज़ों को अपने अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी चीज़ों से हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं कि आदमी अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, यानी कि बिहेवियर में हमारे आ जाता है कि आदमी अच्छा होगा तो हम उसके साथ में अच्छा सा ट्रीट करेंगे, अगर बुरा होगा तो हमारे अकॉर्डिंग वो क्या होगा कि अगर जैसा भी हमने उसके बारे में सुना होगा वैसे ही हम उसके साथ में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे 5 प्रोसेस
होते हैं यानी प्रोसेस ऑफ परसेप्शन के। उसके बाद में देखो लीडरशिप के बारे में बात किया जाए, ये हमारा फिफ्थ यूनिट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर से। लीडरशिप क्या होता है, तो लीडर एक कौन होता है, लीडर के बीच में अगर देखा जाए तो लीडर कौन होता है, जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मतलब कि एक जो इन्फ्लुएंसर होता है। लीडर का मतलब कि आपसे जो भी काम करवाए है ना, इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग, साथ में आपका सपोर्ट भी करे, वही क्या होता है आपका लीडर होता है। एक तो बिहेवियर ऑफ द अदर टू वर्क डन फॉर द अचीविंग द डिटरमाइंड गोल, जिससे जो भी आपके डिटरमाइंड गोल हैं, जो भी आपके डिटरमाइंड गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए अगर एक आदमी जो होता है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए, प्रेरणा देता है, साथ में आपका सपोर्ट भी करता है, वही आपका क्या होता है, लीडर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग लीडर बोलते हैं। अब देखो बहुत ये तो आप एग्जाम्पल खुद भी अपने हिसाब से लिख सकते हो कि लीडर के बीच में मैनेजर के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस होता है, और ये कई बार पूछा भी जाता है। जो एक लीडर होता है वो क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन से डील करता है, जैसे कई बार वो हंसता भी है, लोगों के साथ में बैठता भी है, बात भी करता है। वहीं पर जो एक मैनेजर होता है वो क्या करता है, हमेशा उसको फॉर्मल बने रहना पड़ता है, हमेशा चुपचाप उसको केवल साइलेंट बने रहना पड़ता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना रहता है, उसको ज़्यादा हंसना बोलना, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें एक मैनेजर के लिए नहीं है। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, उसको डायरेक्ट भी देना होता है, कई बार लोगों को चिल्लाना भी पड़ता है और साउट भी करना पड़ता है एक लीडर को, है ना। इसके अलावा जो एक मैनेजर होता है वो हमेशा क्या किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वो सारी फंक्शंस को उसको परफॉर्म करना रहता है, जबकि लीडर्स को क्या करना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है। पर्सनल पावर, उसके पास में क्या होता है, एक तरीके की पावर होती है, बट उसके पास में क्या होती है, पोजीशन की पावर होती है, उसके पास में एक पोजीशन की पावर होती है, पोजीशंस की पावर होने से उसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसके पास में अगर उसका पर्सनल बिहेवियर अच्छा होगा तभी उसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो सब लोग इसका क्या करने लगेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर डिसरिस्पेक्ट करेंगे। फिर यहां पर देखो आगे क्या है कि फोकस मोर ऑन द इनोवेशन एक्टिविटीज, में क्या है कि नई नई चीजों को वो क्या है कि प्रैक्टिकल चीजों को करने में वो एक लीडर विश्वास रखता है, मतलब उसको विश्वास नहीं रखता है, उसको चीजें करनी पड़ती है, इनोवेट करना पड़ता है, चीजों को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। वहीं पर जो एक मैनेजर होता है उसको क्रिएटिविटी पर यानी कि अपनी सोच से ही लोगों को प्रभावित करना, उसको प्लानिंग करनी होती है ना, तो प्लानिंग किस तरीके से, अपनी क्रिएटिव प्लानिंग किस तरीके से करेगा, है ना। एक जो लीडर होता है उसको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, उसको बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे सिचुएशंस के सामने उसकी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। बट जो एक मैनेजर होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एम्पथाइज की स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि वो लोगों को देख करके ही पता लगा ले, एम्पथाइज कर ले कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्डर विथ हेल्प, मतलब कि लोगों को ऑर्डर भी देता है और हेल्प भी करता है, बट जो एक मैनेजर होता है वो केवल लोगों को क्या कर सकता है कि हेल्प नहीं करता, उनकी केवल ऑर्डर ही देता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्वालिटीज ऑफ अ इफेक्टिव लीडर, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो वो क्या करना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए, मोटिवेट करना आना चाहिए, उसके अलावा उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे समझना आना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, हेल्पिंग इन नेचर मतलब कि वो नेचर में भी हेल्पिंग होना चाहिए। तो ये सारी जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती है, इफेक्टिव गुड लीडर की एक क्वालिटीज होती हैं। अब देखो यहां पर क्या बात आती है, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अंदर क्या आते हैं, देखो कि ये थ्योरी होती है, अगर आपसे पूछी जाएगी कि लीडरशिप क्या होती है तो आपको ये थ्योरी भी आपको देनी पड़ेगी, एक जो थ्योरी भी से भी आपको समझाना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, या फिर आपको ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ट्रेट थ्योरी क्या होती है, तो सिचुएशन आपको ये पूरी थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है, बताना है। इसके अंदर आपके चार फैक्टर्स होते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी लक्षण, ठीक है, तो एक मैनेजर या फिर एक लीडर के अंदर कौन कौन से, उसके एनर्जी, हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी किस तरीके से उससे सोशलेबल है, लोगों के साथ में मिलने जुलने की उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, ह्यूमन की स्किल्स किस तरीके से हैं, उसकी रिलेशन किस तरीके के हैं, वो एम्पथाइज करता है कि नहीं, इंटेलिजेंस, फिजिकल उसका फीचर किस तरीके का, दिखने में किस तरीके का, ठीक है, मोटिवेट किस तरीके से करता है, टेक्निकल, ये सारी जो भी चीज़ें होती है एक मैनेजर की ट्रेट्स के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रेट की थ्योरी के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो इसके चार ट्रेट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे S1 देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्टिंग, सपोर्टिंग, कोचिंग एंड डेलीगेटिंग। जैसे कि मान लो कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आपके घर में कोई भी होगा तो कोई कोई पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, केवल बच्चों को केवल उनका काम क्या होता है, डायरेक्शन देना कि ये कर लो वो कर लो, है ना। तो वो क्या होते हैं बच्चे से केवल कि तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हैं कि हाई, मतलब कि वो केवल डायरेक्शन देने में, और सपोर्टिव कम होते हैं, केवल क्या करते हैं कि डायरेक्शन ज़्यादा देते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो सपोर्टिंग भी होते हैं, वो साथ में डायरेक्शन भी देते हैं, इसके साथ में सपोर्ट भी करते हैं, वो ये भी बताते हैं तुम क्या करो, कौन से करियर को चूज़ करो, उनका सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ में। और फिर यहाँ पर देखो कोचिंग में क्या होती है, बात आती है कि उसमें क्या होता है कि हाई सपोर्टिंग एंड लो, मतलब कि सपोर्ट तो ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ है
मुझे लगता है कि जो डायग्राम है वो सही से बना हुआ नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ को पहले नहीं देखा, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पर से स्लाइड से, ये सही से बता नहीं रहा, पर यहाँ पर से ये जो डायग्राम है ये सही से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप ये चीज़ को देख सकते हो, इसको देखो यहाँ पर से आपका डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर सपोर्टिंग पहले आ गया था, सपोर्टिंग यहाँ पर S2 में नहीं होना चाहिए, S3 में इधर साइड होना चाहिए, कोचिंग इधर साइड में आना चाहिए। तो देखो कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई पेरेंट्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टिंग अच्छा खासा डायरेक्ट करते हैं बच्चों को, क्या करते हैं, केवल मतलब डायरेक्शन देते हैं, उनका सपोर्ट नहीं करते। बट जो भी दूसरे पेरेंट्स S2 में होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको डायरेक्शन भी देते हैं, इसके साथ में उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जैसे कोचिंग, जैसे जिम ट्रेनर्स होते हैं वो उसको डायरेक्शन भी देते हैं कि तुम ये काम करो वो काम करो, उसके बाद में उनको क्या करते हैं, कोच भी करते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो ना। फिर देखो सपोर्टिंग, सपोर्टिंग के अंदर क्या आता है कि उसमें क्या होता है कि केवल डायरेक्शन कम देना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भाई तुम्हारा मन है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, जो बनना हो तुमको बनो, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सपोर्टिंग, मतलब कि सपोर्ट ज़्यादातर देते हैं। और डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग का मतलब होता है कि ना ही सपोर्ट देना, ना ही तुमको डायरेक्ट करना, भैया तुमको जो करना वो करो। तो ये चार तरीके के पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर, ट्रेड थ्योरी के अंदर, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग दोस्तों, ये कोई अलग से नहीं है, जो सिचुएशनल थ्योरी से कुछ अलग नहीं, बस इसको पॉइंट्स को अलग कर दिया, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। तो ये चार तरीके, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। तो इस तरीके से चार यहाँ पर सिचुएशनल, इसी में से आप ये चार पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, जब भी ट्रेड थ्योरी की बात आती है तो आप चार पॉइंट्स को लिखो और एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब देखो टीम बिल्डिंग के ऊपर बात आती है, तो टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम के मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों को खड़ा कर दिया और बस वो टीम बन गई। टीम का मतलब होता है कि कोई भी एक गोल होगा और उस गोल के अंदर क्या होगा, उस कॉमन गोल को सेट किया जाता है और उस गोल के ऊपर सभी लोग काम करने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग। तो ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट अ टीम, कि केवल ग्रुप ऑफ पीपल टीम नहीं होती है, ठीक है। दे शुड ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स टू, मतलब कि एक तरीके से उसको सिमिलर गोल को क्या करना चाहिए, उनको काम करने के लिए उनको अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अ गुड टीम कंसिस्ट सी एक्टिविटीज़, गोल की सेटिंग उनको करना पड़ेगा, ठीक है। गोल का एक सेटिंग रखो कि कौन सा आप गोल को अचीव करना चाहते हो, फिर डिफाइन द रोल्स, कि मतलब जितने भी टीम मेंबर्स उनको सबको बताओ तुम क्या करो, तुम क्या करो, तुम क्या करो, इस तरीके से उनको सबको डिफाइन करो। उसके बाद में क्या करना रहता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सभी लोगों को क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सबको अपनी प्रॉब्लम जो भी है, कोई भी, अब मान लो कि कोई भी आपने टीम बनाई, टीम में सबको अपने अपने काम दिए, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम तो आएगी है, और जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो यानी कि जो भी एक गुड टीम के अंदर तीन चीज़ें जो भी होती हैं, तीन मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, गोल सेट करना, डिफाइन रोल्स, सभी लोगों को उनका डिफाइन रोल्स बताना, उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको भी सॉल्व करना। तो ये टीम, तीन एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रुप बिल्डिंग के अंदर। अब देखो टर्कमैन के एक मॉडल है, ये है मॉडल, इसके ऊपर टीम बिल्डिंग के ऊपर है। इसके अंदर आपके चार पॉइंट्स दिए गए, जैसे फॉर्मिंग, दूसरा है स्टॉर्मिंग, यहाँ पर फिर थर्ड नंबर पे नॉर्मिंग एंड फिर परफॉर्मिंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर से जो इसका मतलब है, यहाँ पर से आप अच्छे से समझ लो कि फॉर्मिंग का मतलब होता है कि डिसाइड द रोल, सभी लोगों को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अपने टीम मेंबर्स को। स्टॉर्मिंग के अंदर क्या आता है कि आप उनके जो भी आपने सबको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो अब उन सारी चीज़ों को, उनके प्रॉब्लम्स को देखना, आइडेंटिफाई करना और सारे जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन को उनको प्रोवाइड करना। फिर नॉर्मिंग के अंदर क्या आता है, नॉर्मिंग के अंदर क्या आता है कि उन प्रॉब्लम्स को क्या करना, रिसॉल्व करना एक्शन के साथ में, जो भी आपने सोचा है कि इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके साथ में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना आना चाहिए। फिर आपका आता है परफॉर्मिंग, कि परफॉर्मिंग के अंदर क्या आता है दोस्तों, कि परफॉर्म भी करना आना चाहिए, थिंग्स डन एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, मतलब कि आपको सारी चीज़ें, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सारी चीज़ों को कर लिया, जब आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई तो चलो ठीक है, अब जाओ, आप सभी लोग अपने अपने टीम मेंबर्स में जो भी हैं सब तरीके से अपना अपना काम करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव उसको कंप्लीट करने के लिए सभी लोग अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। तो ये चार एक्टिविटीज़ आती हैं टर्कमैन मॉडल के अंदर, इसको जरूर से लिख के आइएगा टीम बिल्डिंग के ऊपर, अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो उसके डिफाइन करो, अच्छे से बताओ टीम बिल्डिंग एक्चुअल में टीम क्या होती है, फिर बिल्ड करना टीम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, फिर आपका टर्कमैन मॉडल जो भी टीम बिल्डिंग के ऊपर, इसको एक्सप्लेन करो और बताओ। अब देखो हमारा सबसे लास्ट का यहाँ पर सबसे फिलहाल आ चुका है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सबसे लास्ट टॉपिक है दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक अगर आप पहुँचे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, हाँ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि आप
जानते हो कि कितना मेहनत लगती है, तीन चार इस अगर 3 घंटे की मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस 3 घंटे की वीडियो को बनाने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे बल्कि और ज़्यादा ही, क्योंकि स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, सारी चीज़ों को बनाना पड़ता है ना, तो देना ही पड़ता है। तो प्लीज़ मेहनत को देखते हुए, और मेहनत के अलावा दोस्तों आपका भी फ़र्ज बनता है 3-4 साल साथ में रहना है, मतलब 2-4 साल जो भी सेमेस्टर हैं उनके साथ में ही रहना है ना, आगे के भी अभी सेमेस्टर्स के मुझे सारी चीज़ों को नोट्स को बनाना है, तैयार करना है, तो उसके हिसाब से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उसको लाइक भी करो, ठीक है। सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, आपके जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको सबको सारी चीज़ों को शेयर भी करो। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का क्या मतलब? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने देखा था कि मतलब जहाँ पर से ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स टू अचीव द सेम गोल, मतलब कि एक सेम गोल के ऊपर जब भी लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज, जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जब भी अपने क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो भी उसका गोल होता है उसका उसको चेंज कर लेती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इन विच अ कंपनी जो भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, अपने जो भी उसके ऑपरेशन मेथड्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको चेंज करने की बात करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब देखो लेंस लेविन्स 3-स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, लुइन करके इसको बोलते हैं, कर्ट लुइन करके, आप इसको प्रोनंसिएट देख लीजिएगा, कर्ट लुइन करके 3-स्टेप इनका मॉडल है चेंज का, डेट इज़ की अनफ्रिज चेंज एंड रिफ्रिज, ठीक है। इसका मतलब आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो एक मैं एक कंपनी में पहले काम करता था, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो उसमें क्या था कि 8 घंटे की शिफ्ट चलती थी, तो 8 घंटे की शिफ्ट जब चलती थी तो कुछ एक मैनेजर्स आए, उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं 12 घंटे की शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है ना लोगों के बीच में, कुछ लोग जो भी थे एम्प्लॉयज तैयार थे, नहीं तैयार थे, बट अब क्या करना भाई, काम करना है तो सबको काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि 8 घंटे से 12 घंटे चेंज करने के लिए आप ऐसा तो नहीं कि भाई कल से हाँ 12 घंटे की शिफ्ट लगेगी, ऐसा कर दिया, ठीक है। कुछ भी टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो 8 घंटे की ही ड्यूटी कर रहे थे, बाकी जो भी इम्प्लॉय लोअर लेवल के जो भी सबऑर्डिनेट्स थे, जो भी सुपरवाइजर्स वगैरह थे, वो केवल 12 घंटे के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पर अनफ्रिज का मतलब कि आपने यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको केवल दिख रहा होगा, यानी कि आपने क्या है कि कोई भी आपके पास में नया रूल नहीं है, जब आपने नया रूल को अप्लाई किया तो उसके साथ में क्या किया आपने, दोनों चीज़ों को अप्लाई किया, यानी कि पुराना रूल भी आपका चल रहा है और नया रूल को भी अप्लाई करके आप देख रहे हो। जैसे कि 8 घंटे का शिफ्ट भी चल रही है कुछ मैनेजर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए क्या हो रहा है 12 घंटे की शिफ्ट भी चल रही है। अब जब वो सारा रूल को फॉलो होने लगा, सब लोगों को देखा गया कि चलो ठीक है 12 घंटे की शिफ्ट सही से काम करी, तो फिर वो क्या हुआ, रिफ्रिज हो गया, मतलब कि फ्रिज उसको कर दिया गया। अब सभी जितने भी मैनेजर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, सभी लोग 12 घंटे की शिफ्ट को करेंगे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं अनफ्रिज, मतलब कि जब कोई भी चेंजमेंट नहीं था उसको, जब चेंजमेंट आया तो चेंजमेंट के साथ में उसको पुराना जो भी था, पुराना और जो भी आपने नया चेंजमेंट किया, दोनों चीज़ों को अप्लाई करना, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट भी चल रही है उसके साथ में 12 घंटे की शिफ्ट भी चल रही है, उसके बाद में उसको रिफ्रिज कर दिया। मतलब रिफ्रिज का मतलब कि अब देखा गया कि 12 घंटे की सही से स्मूथली सब शिफ्ट काम कर दिए, सभी लोग जो भी एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, टास्क जो भी है बेटर तरीके से हो रहा, तो चलो उसको रिफ्रिज कर दिया, यानी कि यहाँ पर पूरा देखो टोटल ग्रीन से यहाँ पर पूरा ब्लू हो गया। तो इसी को बोलते हैं कार्ट लेंस 3-स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे रूल्स होते हैं, रूल्स को क्या किया जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, उसके बाद में फ्लेक्सिबल बना के उसको फिक्स कर दिया जाता है। अब ये भी जरूरी नहीं कि बार बार रूल्स को चेंज करते जाया जाए, है ना, फिर से 12 घंटे कर दिया तो 14 घंटे कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं इसका मतलब। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना और सारी चीज़ों को ध्यान रखना, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब भी दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी बताओ, कहाँ कमी रहेगी इस चीज़ को भी बताओ। इसके अलावा दोस्तों PDF का लिंक, PDF अगर चाहिए तो प्लीज़ WhatsApp भी कर सकते हो, ठीक है। तो WhatsApp कर दो बट कॉल मत करो, ठीक है, ये चीज़ बात है। तो आज के दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही, 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं फिर फिलहाल, चलो 2.5 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। चलो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम्युनिकेशन की भी जो भी सीरीज़ होगी उसको भी मैं 3 घंटे की पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर इसमें अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।